truth that keeps me holding on. Holding on to your lies. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. 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 I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like सो भाइयों बहनों, मेरा नाम ब्यारेस है, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और बार इस क्वींस बैटल पे। तो इस क्वींस बैटल के चौथे हफ्ते में आप सभी का स्वागत है एंड हम यहां पर आ चुके हैं इस फ्रिकिंग बैटल को विटनेस करने के लिए। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेजेंडरी हो, बिकॉज हम इसको विटनेस करने वाले, दैट्स व्हाई अपनी लेजेंडरी आई से। तो देखते हैं सीन क्या रहता है। और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी थी यहां पर, कि ये देनी थी मुझे यहां पर कुछ नेपाल, जो नेपाल के लाइनअप्स थे यहां पर राइट नो, वो आने में सफल नहीं हुए बिकॉज उनके कुछ फाइनल्स हैं जिनको वहां पर उन्हें हम कंपीट करने के, तो डेफिनेटली जिस कारण से वो यहां पर नहीं आने में सफल हुए। एंड एक और चीज मुझे बतानी थी कि अगर कोई भी स्क्वाड या कोई भी स्लॉट यहां पर फ्रिकिंग वेस्ट करता है बैक टू बैक दो मैचेस में, तो वो बैंड हो जाएगा, जो कि काफी गलत हिसाब रहेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो भी यहां पर सुन रहा है मुझे, जो भी यहां पर देख रहा है, वो यहां पर इस बात का जरूर ख्याल रखेगा कि यहां पर स्लॉट वेस्ट नहीं होना चाहिए जो भी हो जाए। तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि यहां पर पूरा बेहतरीन कॉम्पिटिशन हो। अगर बेहतरीन कॉम्पिटिशन किसी को देखना है तो वो तभी हो सकता है अगर पूरी स्क्वाड जो भी लाइनअप यहां पर आई है वो बराबर तरीके से अपने स्लॉट के साथ आए एंड पूरी तरह कंपीट करे, फ्रिकिंग पूरी तरह अनलीश करके अपने आप को, तो जो कि हम टोटली देखने वाले हैं। ओके, तो प्लेन जो है वो प्लेटफॉर्म से निकल चुका है, मुझे कहना पड़ेगा। प्लेन का पाथ अगर मैं बात करूँ तो प्रिमोस के यहाँ पर शूटिंग रेंज तक जाता हुआ, जिसके बीच काफ़ी सारे एरियाज पड़ते हैं, वहाँ पर प्लेयर्स लैंड कर सकते हैं जो भी इनका फेवरेबल स्पॉट है, जो भी इन्होंने अभी इंस्टेंट मैं कहना चाहूँगा डिसीजन मेकिंग जो करी है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर वो लैंड करना पसंद करेंगे वहाँ पर भी वो जाना पसंद करेंगे। एंड वहाँ पर लैंड करने के संग ही वहाँ पर अगर उनके उनके करीबी एरिया पर अगर टीम्स आती है तो जिसको पहले लूट मिलता है वो यहाँ पर टोटली उस सिचुएशन को डोमिनेट करने वाला है, ये भी हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं एंड काफ़ी अच्छे से देख भी सकते हैं। बट उसके बावजूद यहाँ पर किस तरह कौन सी लाइनअप्स वो होने वाली है इसके बारे में हमें इन्फो नहीं है एंड वो किस तरह यहाँ पर उन सिचुएशंस को ओवरकम करने वाली है इसके बारे में भी हमारे पास कोई इन्फो नहीं है। प्रिमोस की बात करें तो यहाँ पर जो स्लॉट सिक्स की लाइनअप है, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है, स्लॉट सिक्स बोले तो यहाँ पर पार्टी गर्ल्स की लाइनअप यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा लग रहा है, खौर वायर देख के परफेक्ट दौरा पर। अब अगर मैं स्लॉट ट्वेल्व की बात करूँ तो यहाँ पर ANC गर्ल्स भी यहाँ पर आई है, तो ये दो लाइनअप जो कि प्रिमोस पे आई है एंड डेफिनेटली इससे क्या हो जाता है, जो प्रोबेबिलिटी रेट है इनकी मुलाकात का वो डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर मुलाकात होगी उसके बारे में हमें कोई इन्फो नहीं है, ना होगी कभी, बिकॉज ये टोटली अनसर्टेन है। हम यहाँ पर विटनेस करेंगे वो किस तरह होने वाला है एंड देखने वाले हैं। हर्षिता की बात करें तो यहाँ पर वो
बैक हो चुकी है, बहुत ज्यादा सही। मैं उम्मीद कर रहा था वो कहां चले गए, बिकॉज यहां पर टीम को सपोर्ट की दरकार है। अगर एक प्लेयर भी यहां पर फ्रिकिंग एफके यहां पर आने में सफल नहीं होता है, तो यहां पर काफी बड़ा वाला वो मैं कहना चाहूंगा वो डिसएडवांटेज में रख सकता है अपनी लाइनअप को, डेफिनेटली काफी बड़ा वाला डिसएडवांटेज क्रिएट कर सकता है अपनी लाइनअप के लिए, जो कि हम डेफिनेटली उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता था ये एनसी के लाइनअप के लिए। बट अच्छी बात, पता है क्या, यहां पर उनकी पूरी लाइनअप आ चुकी है जिसको हम सोच रहे थे एफके, वो भी यहां पर वापसी कर चुके हैं। अच्छी बात। ओके, थोड़ा सा गौर फरमाते हैं यहाँ पर गौर पर पार्टी लाइनअप की तरफ। पार्टी वेंटर यहाँ पर है, बहुत खूब पार्टी बैरेटा, ये लाइनअप पहले भी खेल चुके हैं, काफी कमाल की परफॉर्मेंस की लाइनअप रखती है, डेफिनेटली इन पे हम गौर फरमाने वाले, जो कि काफी कमाल की बात रहेगी। पार्टी विक्टोरिया एंड पार्टी काइली, ये पूरी लाइनअप कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर अनलीश करने वाले अपने आप को, एंड क्या इस स्ट्रॉन्ग लाइनअप को यहाँ पर कम्पीट कर पाएगी टीम नंबर 12 जो कि ENC के लाइनअप है, किस तरह से वो ओवरकम करने में सफल होगी, ये भी काफी बड़ा वाला सवाल है जिसके जवाब धीरे धीरे हमें मिलते रहेंगे जितना हम क्लोजिंग सिनेरियो पे पहुंचेंगे, या हो सकता है अर्ली फेज में मिल जाए जवाब, जो कि हम टोटली यहाँ पर इसको विटनेस करने वाले, जो कि मैंने कहा। तो अब चलते हैं दूसरी लाइनअप की तरफ, जो कि स्लॉट 13 की लाइनअप है। स्लॉट 13 बोले तो जी ब्रैट्स की लाइनअप है, यहाँ पर हमें जाना पड़ेगा ENC की तरफ, बिकॉज पार्टी बैरेटा यहाँ पर डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर फ्रिकिंग जो ENC लाइनअप है यहां पर वो आक्रमण कर चुके हैं, एंड पार्टी बैरेटा जो कि नेट से यहां पर डाउन होते हुए, जैसे कि आप देख सकते हो एक और नेट करने की कोशिश करी थी उन्होंने, एंड ये टोटली फिनिशिंग वाला नेट था। बट अच्छी बात, बताया गया जो टीम नंबर 6 के लाइनअप से बैरेटा है वो यहां पर स्वाइप करने में सफल हुए, अच्छी बात है। बट यहां पर कब तक करने वाले देखने वाली बात रहेगी सपोर्ट देने में, यहां पर जो लाइनअप है वो यहां पर आ चुकी है टीम नंबर 6 एंड 12 का एनकाउंटर। विक्टोरिया ने यहां पर डैम लिया, डेफिनेटली यहां पर ये वॉइड करने का रहेगा। विक्टोरिया की हेल्थ की बात करें वो ज्यादा ही क्रिटिकल, बट सपोर्ट अच्छा आ रहा है। बैरेटा जो कि काफी देर से नॉकडाउन है, यहां पर काफी गलत हिसाब हो सकता है, वो यहां पर फिनिश भी हो सकते हैं। पार्टी काइली की मुलाकात यहां पर अर्चिता से किसी भी वक्त हो सकता है, यहां पर काइली ने उजी का इस्तेमाल करा एंड क्लोज कॉम्बैट में उजी का जितनी तारीफ करो उतनी कम, जो कि डेफिनेटली हम देख सकते हैं विक्टोरिया का सफर इधर खत्म हो चुका है। डेफिनेटली एक काफी गलत वाला यहां पर मैं कहना चाहूंगा स्मैशिंग ब्लो अलूदा को यहां पर डाउन करा फ्रिकिंग बराबर तरीके से पार्टी काइली ने यहां पर उजी का इस्तेमाल करके, एंड यहां पर ENC की लाइनअप बहुत ही दिक्कत वाले फेस पे आ चुकी है, इनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे है। एंड राइट नॉट शिजुका अगर यहां पर मैं कहना चाहूँगा अगर कमबैक करने में सफल नहीं रहती है, कमबैक करवाने में सफल नहीं रहती अपनी लाइनअप को शिजुका, तो यहाँ पर उनका सफर खत्म है एंड उनकी पूरी टीम का सफर खत्म है, जो कि यहाँ पर पार्टी की जो लाइनअप है वो नहीं चाहेगी ये पॉसिबल हो। बट देखते हैं सीन क्या रहता है, पार्टी काइल किस तरह अप्रोच करने वाले, डेफिनेटली देखने वाली बात रही है। बैरेटा की बात करें यहाँ पर रिवाइव होते हुए, काइल यहाँ पर मौली का इस्तेमाल करते हैं शिजुका की बॉडी में से, देखते हैं मौली का डैम भी इन्हें पड़ता हुआ, बट अच्छे से यहाँ पर सर्वाइव करने में सफल हुए। बट इनकी जो टीममेट थे उनका सफर खत्म, एंड शिजुका इज ओनली वन सर्वाइवर फ्रॉम द टीम नंबर 12, जो कि सीन काफी गलत क्रिएट कर सकता है। बट उसके बावजूद शिजुका ने यहाँ पर काइली को स्कारेल से डाउन करा, बट क्या ये इनफ था, डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर बैरेटा ने अच्छा सपोर्टिव नेड करा एंड डेफिनेटली यहाँ पर चैप्टर क्लोज करके घर भेजा। तो यहाँ पर पार्टी की लाइनअप के लिए एक काफी गलत वाला स्मैशिंग ब्लो आया, जो कि विक्टोरिया का सफर खत्म हो चुका है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर इस अर्ली फेज पे ये अवॉइड करना पसंद करते, बट यहाँ पर ये अवॉइड करने में सफल नहीं हुए। तो पार्टी की पूरी लाइनअप तो नहीं, बट यहाँ पर मैं कहना चाहूँ 3 वुमेन स्क्वाड की यहाँ पर लाइनअप जो है वो सर्वाइव कर रही है। बैरेटा के पास 1 किल्स एंड काइली के पास 3 किल्स, तो कि बहुत ज्यादा सही परफॉर्मेंस है राइट नाउ। 4 किल्स इनके जेब में आ चुकी है, एंड काइली ने काफी अच्छा इस्तेमाल करा उस क्लोज एनकाउंटर के लिए उजी का, जो कि कमाल की गन है। एंड मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, क्लोज कॉम्बैट में उजी अगर आपकी फ्रिकिंग एम अच्छी है तो काफी कमाल का डैमेज दे सकते हैं, काफी कमाल का डिफरेंस क्रिएशन कर सकते हैं, जो कि यहां पर उसका एग्जांपल हम टोटली देख चुके हैं। तो ये था बॉयज इन फ्रिकिंग गिल्स, मैं कहना चाहूँ प्रिमोस का सफर, प्रिमोस का जंग, प्रिमोस का क्लोज एनकाउंटर, जो कि हम देख चुके किस तरह यहाँ पर चैप्टर क्लोज हुआ ENC के लाइनअप का। एंड अब चलते हैं दूसरी लाइनअप की तरफ, जहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या विटनेस करने वाले उन पर गौर फरमाने के लिए। यस, ने अपने लाइनअप पर गौर फरमाते थोड़ा सा यहाँ पर क्या चल रहा है, जो कि 24th की जो स्लॉट है यहाँ पर राइट नाउ इनविक्टस के लाइनअप, यहाँ पर वेट सटैनिक है डेफिनेटली, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को मैं पहले भी खेलते हुए देख चुका हूँ, बट कुछ प्लेयर्स यहाँ पर नहीं भी है। फॉर एग्जांपल जेलो की हम बात कर सकते हैं, ये नया है। अगर मैं थारू की बात करूँ तो आई गेस ये भी नया है डेफिनेटली, एंड यहाँ पर मिस भी मौजूद है। वेट चटानी को हम जानते हैं, इनको हमने खेलते हुए देखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉमन प्लेयर जो कि अच्छी बात है, काफी कमाल की बात है। तो ये टीम 24 की लाइनअप राइट नो, इनके करीबी एरिया पे जो लाइनअप है मैं कह सकता हूँ जो एक सोलो वॉरियर राइट नो अपने लाइनअप से यहाँ पर इस वक्त, बिकॉज उसके जो बाकी टीममेट्स वो दूसरी तरफ हैं। तो ये स्लॉट 9 है, हम देख सकते हैं ये नाइट फेरे की लाइनअप है, नाइट फेरी के लाइनअप यहाँ पे सोलो सर्वाइवर क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज इनके लाइनअप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वो दूसरे जगहों पे है। हम देख सकते हैं यहाँ पर फेरी क्वीन दूसरे जगहों पे, डेरर यहाँ पर, नोमियन जो है यहाँ पर, ये दूसरे फ्रिकिंग स्पॉट पे है। डेफिनेटली यहाँ पर टीम 24 से अगर मुलाकात होती तो यहाँ पर कुछ गलत फ्रिकिंग कंक्लूजन निकल सकता था इस लाइनअप के लिए, बट अच्छी बात है कि वो कंक्लूजन इन्होंने अवॉइड करा। डेफिनेटली यहाँ पर लफड़ा ले सकते थे, बट डेफिनेटली इन्होंने अवॉइड करा, जो कि अच्छी बात है। टीम 14 की तरफ देखते हैं, स्लॉट 14 यहाँ पर क्या कर रही है। स्लॉट 14 बोले तो यहाँ पर स्पार्टन क्वींस के लाइनअप है, स्लॉट 14 यहाँ पर सर्वाइव कर रही है
इन्हें यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, हायरा जिन एसक्यू जिनका पूरा नाम है राइट नो, एंड ये सोलो सर्वाइवर है, मुझे कहना पड़ेगा सोलो सर्वाइवर नहीं, इनकी पूरी लाइनअप टाइम पे आने में सफल नहीं हुई एंड दैट्स व्हाई ये सोलो है, डेफिनेटली ये रीजन है। टीम 20 का यहाँ पर क्या हिसाब है, इन पे मैंने अभी तक गौर नहीं फरमाया। स्लॉट 20 बोले तो डिवाइन ऑन ओमेन मुझे कहना पड़ेगा, मुझे लग रहा था यहाँ पर नेपाल की टीम यहाँ पर आने में सफल नहीं होगी, बट कुछ टीम्स आई गेस आने में सफल हुई है, मुझे लगता है कुछ टीम्स जो है वो फाइनल में गई है, बट कुछ टीम्स यहाँ पर आने में सफल हुई, अच्छी बात है। ओके तो हम जरूर पूरी तरह यहाँ पर इस मैच को सेटिस्फाइंग तरीके से देखना पसंद करेंगे। डिवाइन ऑन ओमेन यहाँ पर मौजूद, ओके परफेक्ट, तो इन्होंने अंशु को खोया जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं किसी हालात पे। ओके हमने नोवर अपना पे गौर नहीं फरमाया, बाय द वे थोड़ा सा यहाँ पर भी गौर फरमाते हैं, ये स्लॉट 22 से बिलोंग करते हैं, वेलकायरीज गर्ल्स कौन नहीं जानता इन्हें, काफी एक नंबर इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है मैं कहना चाहूँगा पिछले कुछ मैचेस में, हालांकि यहाँ पर इनकी फॉर्म हमने देखी थी कुछ तरीके से डल हो गई थी, बट राइट नो क्या ये वापसी कर चुकी है ये मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने जिन मैचेस में देखा था वहाँ पर जरूर वो वापसी करके, कहीं ना कहीं इनका अप एंड डाउन चल रहा था, बट राइट नो उसके बावजूद हम देखने वाले हैं, हम विटनेस करने वाले कि वेलकायरी लाइनअप इस मैच में क्या करने वाले, बिकॉज पिछले मैच को हम टोटली यहाँ पर अवॉइड करना पसंद करेंगे, देखना चाहेंगे ये जो फ्रिकिंग फ्रेश शुरुआत एक और या ये बैटल है इसमें वो कितना बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जरूर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली यहाँ पे देखने वाले आएंगे इस मेरे ख्याल से। तो वेलकैरी की पूरी लाइनअप यहाँ पर नोवर अपना एप पे सर्वाइव कर रही है, बहुत सही सेफ एरिया है पूरी तरह, यहाँ पर ड्रॉप आई मीन ड्रॉप के बाद अगर ड्रॉप अगर फ्लेयर गन मिलती तो अच्छी बात है, या उसके अलावा यहाँ पर जो भी लूट मिलता है उसको लेने कैप जो कि यहाँ पर ले चुके हैं, माँ के पास अच्छी लूट है, अगर मैं जिस की बात करूँ तो जिस के पास भी अच्छी लूट है, निहा की बात करें तो सबके पास कम से कम बेहतरीन लूट है, एने के पास तो कार 98 भी है, तो मतलब बोले तो स्नाइपर भी यहाँ पर है रे बाबा, तो यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएशन देखने की उम्मीद जो कि अच्छी बात रहेगी। यस ने पलाने की तरफ कॉब चलते हैं, बिकॉज ये जो डेरर नोमियन है यहाँ पर जो कि टीम नंबर 9 से बिलोंग कर रहे हैं, क्या यहाँ पर ये फ्रिकिंग करीबी एरिया पे स्पॉट हो चुके हैं, नहीं हुए हैं, बट जो जेलो हैं जो कि टीम 24 से बिलोंग कर रहे थे वो डेफिनेटली यहाँ पर राउंड मार रहे हैं, एंड अच्छी बात पता है उन्होंने यहाँ पर स्पॉट नहीं करी डेरर को जो कि यहाँ पर अभी भी सोलो मैं कहना चाहूँगा सोलो वॉरियर है राइट नो इस एरिया पे, उनके लाइनअप के जो बाकी टीममेट्स हैं वो यहाँ पर किसी वाला हालात में मौजूद नहीं है, बट अगर मैं ड्रॉप की तरफ गौर फरमा तो जहाँ पर फेरी क्वीन नीमो है हम कह सकते हैं नीमो यहाँ पर मौजूद हैं इस ड्रॉप की तरफ, एंड यहाँ पर ये मौजूद हैं डेरर नोमी जो कि गाड़ी से आना पसंद करेंगे, एंड लूना की बात करें तो लूना भी दूसरे फ्रिकिंग स्पॉट पर, हालांकि फ्रिकिंग मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा दूर नहीं है, ये अच्छी बात है इनके लिए, ये क्लोजिंग सिनेरियो आई मीन मैं कहना चाहूँगा ये गैदर हो सकते हैं एकत्र होकर, डेफिनेटली ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा एंड वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ड्रॉप की तरफ कॉप चलता है बिकॉज यहाँ पर मुझे टीम 11 की प्रेजेंस दिखी है, टीम 11 बोले तो यहाँ पर स्लॉट 11 अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पर NR लाचिकास की लाइनअप है जो कि यहाँ पर मौजूद है, NR की लाइनअप मैं शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहूँगा, NR की लाइनअप स्लॉट 11 से यहाँ पर मौजूद जहाँ पर उनके करीब एरिया पर टीम नंबर 9 के नीमो है अगर मैं गलत नहीं हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने लफड़ा नहीं लिया, अच्छा करा बिकॉज मे बी ये जो लफड़ा अगर वो लेते तो मे बी ये बुरी तरह मैं कहना चाहूँगा हाथ से निकल भी सकता था ये मैच, मे बी मैं कहना चाहूँ हाथ से निकलने से मेरा मतलब ये कि वो अपनी ज़िंदगी खो सकते थे इस वक्त, एंड डेफिनेटली अगर वो खोते तो यहाँ पर डिसएडवांटेज टोटली उनकी टीम को जाता, जो कि अच्छा किया इन्होंने यहाँ पर लफड़ा नहीं लिया, बट अगर टीम हिट साथ में रहते तो फिर भी आप ले सकते थे, सोलो करना थोड़ा सा रिस्की रहता, बट अगर आप कर सकते अगर आपको विश्वास है तो यहाँ पर अलग चीज़ हो सकती थी। ओके हम ओमेन की लाइनअप की तरफ गॉब गॉय फरमाते हैं, ओमेन की लाइनअप पे हम यहाँ पर आ चुके हैं परफेक्ट और आप तरीके से देखते हैं सीन क्या चल रहा है यहाँ पर इस ओमेन की लाइनअप का जो कि मैं जरूर देखना चाहूँगा। डिवाइन ऑन ओमेन यहाँ पर नवीना है, जेनी है एंड राइस है, टीम 20 से बिलोंग कर रहे हैं सर्वाइव कर रहे हैं, एंड यहाँ पर दूसरी तरफ अगर मैं गौर फरमाऊँ तो यहाँ पर फनाटिक यूका जो कि बाहरी छोर पे हैं, एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्लॉट 25 जो यहाँ पर फनाटिक गर्ल्स के लाइनअप है, जी हाँ वापसी करते हुए एक और बार काफी अच्छा लग रहा है पुराने नाम देख के, काफी बेहतर फील हो रहा है यहाँ पर राइट नो यहाँ पर आते हुए, तो यहाँ पर यसने पुलियाना की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाते हैं जो कि स्लॉट 4 की लाइनअप है, इन पर मैंने अभी तक नजरें नहीं जमाई, तो यहाँ पर गर्ल्स ऑफ ग्लोरी की लाइनअप है, ये हम देख सकते हैं अभी के लिए सेफ है, बट कितनी देर तक रहने वाला है इसका कोई भी हमारे पास जवाब नहीं है, जैसे कि मैं कहता हूँ कंक्लूजन धीरे धीरे मिलता है, एंड धीरे धीरे से मेरा मतलब ये मतलब है कि यहाँ पर जितना हम क्लोज जाएंगे जितना हम क्लोजिंग सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट हो जितना कंक्लूजन की तरफ जाएंगे उतने जवाब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर रिवील होने वाले हैं, तो डेफिनेटली उस वक्त का इंतजार करना है एंड उसके अकॉर्डिंग देखना क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो ZB की लाइनअप यहाँ पर है, जीनिया जो कि टीम 13 से बिलोंग कर रहे हैं, कर्ज की बात करें जो कि डेफिनेटली 13 से बिलोंग कर रहे हैं, क्रिस्टल जैंग देख सकते हैं हम, कोई वाइब की बात करें जो कि यहाँ पर स्कूल की तरफ है, इन बिल्डिंग्स की तरफ आ चुके हैं, स्कूल के अपोजिट जो बिल्डिंग वाला एरिया जो कि आप सभी को पता है जो भी यहाँ पर खेलता है जो भी यहाँ पर विटनेस कर रहा है वो डेफिनेटली यहाँ पर पबजी खेलता है, एंड डेफिनेटली वो जानता है ये सब चीज़ें क्या होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आते हुए और ड्रॉप की तरफ यहाँ पर डेरर की लाइनअप ठीक है, वो अपनी टीम से मीटअप कर चुकी है, अच्छी बात है, जो टीम यहाँ पर जोन के बाहर है उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्द जोन पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यूस की लाइनअप की तरफ भी चलते हैं बिकॉज ज्यूस की लाइनअप पे हमने अभी तक गौर नहीं फरमाया, एंड ज्यूस की लाइनअप बोले तो स्लॉट 5 ज्यूस बीबी की लाइनअप यहाँ पर मौजूद है, पूरी लाइनअप सर्वाइव कर रही है,
डेफिनेटली जोन पे नहीं है, बट अच्छी बात पता है क्या, डेफिनेटली जोन इतना दूर भी नहीं है, तो मतलब जोन पे आने में ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी, जोन पे यहाँ पर आने में सफल भी रहेंगे। वेल कैरी मे के क्या यहाँ पर मुलाकात होने वाली डिवाइन ऑन ओमेन से, अगर होती है एज अ सोलो वॉरियर तो सीन काफी गलत रहेगा, वो यहाँ से निकल रहे हैं, अच्छी बात है, डेफिनेटली यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश करी, बट यहाँ पर शी मैनेज टू सर्वाइव, जो कि अच्छी बात है। वेल कैरी मे बड़ी कब तक करने वाली है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर सामने उनके टीममेट्स हैं, अच्छी बात है, मुलाकात होती है, सपोर्ट की दरकार होती है, उनको आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, एंड वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा आ भी जाएंगे सफलता तरीके से, यहाँ पर पहुंच जाएंगे जहां पर उन्हें पहुंचने का है। टीम 14 की तरफ गोबर सोलो यहाँ पर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, स्लॉट 14 जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर स्पार्टन क्वींस के लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हायर है, एंड ये सोलो वॉरियर है राइट नाउ, बिकॉज इनकी टीम पूरी तरह आने में सर्वाइव नहीं, बट उसके बावजूद कितना ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, कितने करीब पहुंच सकते हैं मैच में, वो बड़ी बात रहेगी, देखने वाली रहेगी बात, और जो कि बहुत ही मैटर करने वाली बात रही है, एंड अगर वो जीतने में सफल होते हैं तो यहाँ पर और मैटर करने वाली बात रही, बिकॉज टीम यहाँ पर पूरे मैच वो सोलो आए हैं, एंड उसके बावजूद इस मैच को अगर जीत के निकलते तो उन्होंने कुछ बड़ा वाला करा है, जो कि डेफिनेटली मैं बता नहीं रहा कि पॉसिबल नहीं है, डेफिनेटली पॉसिबल है, बट क्या ये हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन है, जो कि जैसे कि मैंने बताया हमें पता चला है कुछ देर पे। ओके, तो हमें चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फैनेटिक की तरफ, हम चल सकते हैं एक और बार डिवाइन और ओमेन की तरफ, यहाँ हम चल सकते हैं एक और बार टीम 24 की तरफ, जो कि हम यहाँ पर आते हुए रेड से टैनिक यहाँ पर मौजूद है, स्लॉट 24 बोले थे यहाँ पर इनविक्टस के लाइनअप की तरफ हम यहाँ पर आते हुए, इनके करीबी एरिया पे जो लाइनअप दिख रही है वो फ्रिकिंग गर्ल्स वाली लाइनअप है, देख सकते हैं स्लॉट 4 से बिलोंग कर रहे हैं, गर्ल्स ऑफ ग्लोरी की लाइनअप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर दो बैक टू बैक प्लेयर उन्हीं के लाइनअप से यहाँ पर नॉक डाउन है, एंड एक का तो सफर भी खत्म हो चुका है, उन्हें क्रेड बनाया, चैप्टर क्लोज करके घर भेजा, बट देव नहीं की बात करें जो कि यहाँ पर इनके लाइनअप से सर्वाइव कर रहे हैं, बड़ी सोलो है, एंड उनके जो रिमेनिंग प्लेयर्स थे कुछ ही देर पहले जो सर्वाइव कर रहे थे, अभी वो किसी भी हालात पे सर्वाइव नहीं कर रहे, वो यहाँ पर मसाला बन चुके हैं, उनको उनका चैप्टर क्लोज करके घर भेजा है, क्रेड बना दिया बोरे, एंड घर भेज के यहाँ पर जो प्रेशर है वो टोटली यहाँ पर देव ने यहाँ पर ऑन कर दिया, जो कि काफी बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेगा मैं कहना चाहूँ देव नए के लिए, जो कि यहाँ पर डेफिनेटली देखते हैं सीन क्या करने वाले हैं वो। टीम 24 की तरफ गोबर सटैनिक यहाँ पर है, मिस यहाँ पर है, थरू यहाँ पर है, जेलो यहाँ पर है, ज्यूस के लाइनअप की तरफ भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस क्रिएशन की मैं कहना चाहूँगा, सुगंध आते हुए चलते हैं वहाँ पर, क्या चल रहा है, फनेटिक यूथा फ्रॉम फनेटिक गर्ल्स यहाँ पर नॉकडाउन, ज्यूस सुने की बात करें यहाँ पर वो क्या वो क्लोज इन करने की मैं कहना चाहूँ प्लानिंग कर रहे हैं, या वो यहाँ पर इनकाउंटर करने वाले, अब देखने वाली बात रहेगी। बोबा की बात करें नेड की तैयारी करने की कोशिश, एंड जहाँ पर ये नेड कर रहे हैं अगर फनेटिक यूथा की तरफ है तो यहाँ पर गलत वाला डिफरेंस क्रिएशन हो सकता है, नेड यहां पर कोशिश करी, बड़े अच्छी बात ये कोई भी यहां पर नॉकडाउन नहीं हुआ, सबके सब सर्वाइव कर रहे हैं, ज्यूस वर्सेस फनेटिक गर्ल्स की लाइनअप अच्छी बात है, बट यहां पर कौन एक ही टीम यहां से निकलने वाली, अगर ये क्लोज कॉम्बैट जो कि यहां पर टोटली हम देखने वाले हैं सिचुएशन को, यहां से एक ही लाइनअप सर्वाइव करने में सफल होगी इस जगह से, अगर यहां पर वो टोटली फाइट लेते ज्यूस पुसे यहां पर नॉकडाउन, फनेटिक मोमो ने यहां पर नोनो ने मैं कहना चाहूंगा मौली का इस्तेमाल करा, एंड यहां पर मौली से ज्यूस पुसे का सफर भी खत्म करा हमेशा के लिए, टीम 25 वर्सेस 5, बट यहाँ पर डिफरेंस एक है कि यहाँ पर जो टीम नंबर 5 है वो यहाँ पर अपने प्लेयर खो चुकी है, यहाँ पर सिर्फ 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं अगेंस्ट जिसके हैं वो फनेटिक लाइनअप, जो कि यहाँ पर पूरी तरह स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है जो टीम नंबर 5 से कंप्लीट करने वाले, ज्यूस वैली यहाँ पर देखते हैं क्या किस तरह का डिफरेंस क्रिएशन कर सकते हैं, डेफिनेटली वो इस रिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, काफी अच्छा यहाँ से व्यू मिल सकता है, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है, तो उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यूस बोबा ने यहाँ पर यूका को डाउन करा, बहुत सही नेड का बेहतरीन इस्तेमाल करा, अच्छी बात है जब नेड से कोई भी यहाँ पर डाउन होता है यहाँ पर काफी गलत वाला डिफरेंस क्रिएशन रहता है, बिकॉज ये जो डैमेज है वो काफी डिफरेंस क्रिएट वाला होता है। बोबा की बात करें क्या वो इनसाइड आने की कोशिश करने वाले, अंदर यहाँ पर प्लेयर्स हैं डेफिनेटली यहाँ पर फ्रिकिंग क्लोजिंग करना करेंगे, मसाला बनाना पसंद करेंगे, बट क्या ये पॉसिबल है, लिस्ट किंग्स ही फनेटिक पोल यहां पर नेट की तैयारी करते हुए सामने ही सुनी है, जो कि यहां पर डेफिनेटली नेट कैंसिल करते हुए, यूता की बात करें मौजूद सारे के सारे प्लेयर्स जो भी यहां पर मौजूद है वो इस एक रूम पे, उनके पास जरूर फ्रिकिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा है, बट क्या ये वर्थ इट रहेगा, फनेटिक पोल की बात करना चाहो बट यहां पर यूका डाउन होते हुए, पोल हो सकते हैं बाहर है, पोल भी डाउन होते हुए सिचुएशन टोटली यहां पर आउट ऑफ द हैंड निकल सकता है, नो सर्वाइव कर रहे हैं, बट यहां पर रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स जो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत तरीके से खत्म हो चुके हैं, इसी के साथ टीम 5 इस मैच पे इस जगह पे मैं कहना चाहूंगा उनको कंप्लीट कर चुके, बट यहां पर फ्रिकिंग कंपटीशन नहीं रुकता, बिकॉज पार्टी की लाइनअप फ्रिकिंग इस मैं कहना इस आवाज को सुनकर यहां पर आ चुके हैं, यहां पर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किल्स अपने बढ़ाने के लिए यहां पर पहुंच चुकी है पार्टी बेरेत्ता, सामने की तरफ आते हैं पार्टी कायली भी यहां पर घुस चुके हैं, विंटे की बात करें विंटे यहां पर डाउन, तो यहां पर डिफरेंस क्रिएशन वाली सिचुएशन क्रिएट होते हुए फ्रिकिंग टीम नंबर 6 के लिए क्या करते हैं, किस तरह यहां पर वापसी कर सकती है टीम नंबर 5 जो यहां पर वापसी करने में सफल रहेगी, बिकॉज यहां पर उन्होंने कुछ ही देर पहले यहां पर मोमेंट पाया है, राइट में एक और बार हो सकते हैं, यूज बोबा
सर्वाइव कर रहे हैं, उनके पास कार्यालय है, यहाँ पर टीम नंबर 6 पूरी तरह रेडी है, उनके पास जरूर नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, बट यहाँ पर ज्यूस बोबा यहाँ पर अगेंस्ट जिसके हैं वो यहाँ पर दो है प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे हैं, पार्टी गाइस एंड पार्टी बेरेता ने ज्यूस बोबा का सफर खत्म नहीं करा, बट बदले में ज्यूस बोबा ने यहाँ पर उनका चैप्टर क्लोज करने की कोशिश करी यहाँ पर अच्छा डैमेज दिया, डाउन करे पार्टी गाइस सामने की तरफ, यहाँ पर काइली जिनके पास उजी है, क्लोज इन करना ज्यादा सही होगा नहीं यहाँ पर, क्लोज अगर वो करते हैं सीन बहुत गलत हो सकता है, पार्टी बेरेता यहाँ पर ब्लीड आउट करते करते रह गए, पार्टी काइली ने यहाँ पर अहम मौके पर हाथ जरूर लगाया, बट उसके बावजूद यहाँ पर क्लोज इन करने के चक्कर से पार्टी काइली ने यहाँ पर उनका फ्रिकिंग रिवाइव छोड़ा एंड उसी के साथ यहाँ पर सफर खत्म करा ज्यूस बोबा की लाइन अपने, पार्टी की लाइनअप का अच्छा प्रदर्शन दिया यहाँ पर, उन्होंने अच्छी कोशिश करी बट यहाँ पर जो सर्वाइव करने में सफल हुए वो ज्यूस की लाइनअप है, हालांकि जिस तरीके का इन्होंने लॉस लिया वो काफी घातक था, मुझे कहना पड़ेगा सुनी एंड पुसी दोनों का सफर खत्म, वो बेली एंड बोबा सर्वाइव कर रहे हैं बट उसके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं, तो मतलब ये काफी गलत वाला डिफरेंशिएशन था, पार्टी के लाइन पर यहाँ पर बीच बैटल में बाय द वे अटैक करा जो कि कमाल की बात थी, बिकॉज इन्होंने कुछ ही देर पहले एक फाइट लिया था, इनके कुछ प्लेयर पहले से मैं कहना चाहूँगा नॉकडाउन थे जो कि यहाँ पर टोटली यहाँ पर प्रेशर इन पे था, बट उसके बावजूद उस प्रेशर से निकले ये जो कि काफी कमाल की बात है, ज्यूस की लाइन पार्टी को एलिमिनेट कर चुकी है, बट यहाँ पर कहानी का अंत नहीं होता बिकॉज यहाँ पर अंदर जो है वो मेन कहानी है, अंदर जो भी यहाँ पर लाइनअप्स है उनके साथ जो होने वाला है वो यहाँ पर मेन होने वाला है, जो यहाँ पर कंपीट करने वाले एक दूसरे के अगेंस्ट, वेल कैरी की तरफ एक और बार चलना यहाँ पर जरूर सही समझेंगे हम, वेल कैरी की लाइन अपने यहाँ पर खाता नहीं खोला है और डेफिनेटली यहाँ पर और भी यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनअप्स हैं जिन्होंने अभी तक खाता नहीं खोला है, तो मैं टीम स्लॉट 11 की बात करना चाहूँगा, एन आर की लाइनअप ने भी यहाँ पर खाता नहीं खोला है, अगर बात करूँ पीएस के लाइनअप जिसको हम देख सकते हैं स्लॉट 10 से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, स्लॉट 10 बोले थे यहाँ पर प्योर स्केल के लाइनअप सिलेनियम जो यहाँ पर इनको हम पहले भी खेलते हुए देख चुके हैं ये भी सर्वाइव कर रहे हैं स्लॉट 10 से एंड इनकी पूरी लाइनअप है जिन्होंने खाता नहीं खोला है, बट यहाँ पर जितना हम क्लोज पहुँचेंगे यहाँ पर सब अपना खाता खोलने वाले हैं, जिनका भी यहाँ पर अभी तक खुला नहीं है, जिन्होंने अभी तक कोई किल नहीं करी, जिन्होंने अभी तक फ्रिकिंग चैप्टर क्लोज नहीं करा है या भैंडी को चोड़ी वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं करा है वो डेफिनेटली हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जेलो की बात करें हाइड्रा की लाइनअप, हाइड्रा जो कि उनकी लाइनअप का नाम हाइड्रा नहीं है बट यहाँ पर वो करीबी एरिया पर दिख रहे हैं, सोलो सर्वाइवर हैं डेफिनेटली यहाँ पर गड्डी से यहाँ पर सवारी कर रहे हैं, बट अच्छी बात है कि जो दूसरी लाइनअप थी जो कि इनके करीब आ सकती थी वो यहाँ पर दूसरी तरफ है, इनविक्टस की मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली जो कि 24 से थे वो यहाँ पर जोन की तरफ जाते हुए दूसरे पते से, एंड यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा हाइड्राजिन जो है वो भी यहाँ पर दूसरे एड्रेस से जोन की तरफ पहुँचने में सफल हुए हैं, बट यहाँ पर काफ़ी सारी मुलाकातें होने वाली बॉस जो कि बहुत ही हार्ड रहेगा एज अ सोलो वॉरियर, एज अ सोलो सर्वाइवर, मैं कहना चाहूँ सर्वाइवर तो नहीं एज अ सोलो वॉरियर बड़ा गलत रहेगा, सामने जहां जा रहे वो टीम स्लॉट 13 के लाइनअप है, स्लॉट 13 के लाइनअप बोले तो ज़ीब्रेट्स एंड ज़ीब्रेट्स फ्रिकिंग जिन एसक्यू पे गौर फरमा रहे हैं, जिन एसक्यू ऐसा लग रहा है फ्रिकिंग अपनी डेथ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल हो सकता था, तो मुझे लगता है यहाँ पर इनको बिहाइंड से पड़ी है, बट इनके बिहाइंड भी एक लाइनअप है जो कि इनका सफर किसी भी वक्त खत्म कर सकती है, स्टार्गिल को उन्होंने डाउन करा बहुत खूब, टोटली यहाँ पर केपेबल है यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इतना मैं देख के बता सकता हूँ, बट क्या ये इनफ है, एंड इसी के साथ बिहाइंड से मैं कह ही रहा था ज़ीब्रेट्स की लाइनअप इनके बिहाइंड पे, एंड एज अ सोलो वॉरियर आपका सफर खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, जो कि यहाँ पर हुआ टीम नंबर 10 यहाँ पर क्या करे, टीम नंबर 10 की पूरी लाइनअप खत्म हो चुकी है एक्सेप्ट पैसे, यहाँ पर प्योर स्किल की लाइनअप से सिर्फ एक प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं एंड उनके अगेंस्ट में यहाँ पर डिवाइन ऑन ओमेन है जो कि बहुत ही घातक लग रहे हैं बिकॉज उनके पास टोटल स्ट्रेंथ है एंड वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन पैसे वाले प्लेयर को, जो कि मैं कहना चाहूंगा क्या ये पॉसिबल रहेगा, मुझे लगता है ये पॉसिबल है टोटली 100%, बट क्या ये टोटली यहाँ पर कर पाएंगे, इतनी आसानी से कितना लॉस लेते या बिना लॉस के करने में सफल रहते हैं तब ये टोटली मैटर करने वाली बात रहेगी, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर नेड करने की कोशिश बट इनके इनसाइड पे मैं कहना चाहूँगा शैक पे घुस के यहाँ पर उनका चप्पेड़ मार के उनका सफर खत्म कर सकते हैं, पेस यहाँ से निकलते हुए अपनी पोजीशन चेंज करते हुए एंड राइट नाउ उसके बावजूद वो काफी नहीं रहा एंड उनका सफर खत्म, टीम डोने की लाइनअप सर्वाइव कर रही है बट उनका गेम में जो लाइनअप थी उनको यहाँ पर घर भेज दिया है हमेशा के लिए, वेल कैरी की तरफ हम यहाँ पर आ चुके हैं टीम 11 से जो यहाँ पर लड़ाई ले रहे हैं, NR की लाइनअप है LCC जो कि यहाँ पर M4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरु का सफर खत्म करने की कोशिश एंड कहीं ना कहीं खत्म करने में सफल भी रहेंगे, LC की बात करें जो कि M4 इस्तेमाल करें उन पे यहाँ पर स्मैशिंग ब्लो आता हुआ और ULC जो कि यहाँ पे ब्रॉन्ज पोजीशन पे टीम 11 वर्सेस यहाँ पर इनकाउंटर चल रहा है जो कि बहुत ही घातक है, सामने देख के बता सकता हूँ टीम नंबर 22 बिहाइंड से वेलकैरी की लाइनअप यहाँ पर आते हुए रोमरी एलसी भी यहाँ पर नॉकडाउन, मैरी एलसी मैं कहना चाहूंगा पूरी लाइनअप यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है बिकॉज टीम नंबर 22 आई यहाँ पर, इन्होंने इस मौके टोटली फायदा उठाया एंड केल खत्म करा एंड 24 की लाइनअप जो कि सामने की तरफ से जिस दिन से ये लड़ रही थी जो लास्ट लाइनअप जो यहाँ से गई है एंड वहां पर इन्होंने टोटली इस मौके का फायदा उठाया, टीम 22 राइट नाउ दूसरे वॉरियर से लड़ने वाली है, दूसरी टीमों से लड़ने वाली है जो कि सामने की तरफ है, जो कि बहुत ही घातक रहेगा, मिस को डाउन करा माने यहाँ पर
मिस को डाउन करा एंड मिस का सफर खत्म करने की कोशिश, बट इनको भी यहाँ पर फ्रिकिंग स्मैशिंग इंपैक्ट आया एंड इसी के साथ महान नॉकडाउन होता है एंड बिहाइंड पे डिवाइन और ओमेन की भी लाइनअप यहाँ पर फ्रिकिंग आ सकती है, करीब आ सकती है एंड यहाँ पर एक और डिफरेंस क्रिएशन भी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रिकिंग मैं कहना चाहूँगा थ्रिल है वो टोटली यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, बड़ी जो थ्रिल है यहाँ पर, काफी सारी जो यहाँ पर जो भी टीम्स है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है उस थ्रिल में एंड डेफिनेटली जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है एज अ फ्रिकिंग ऑडियंस बराबर तरीके से, बट मैं कहना चाहूंगा एज अ प्लेयर बड़ा यहाँ पर गंदा फील होगा। बट जो भी यहाँ पर गौर फरमाते हैं ज्यूस की लाइनअप यहाँ पर क्या करें, वो डायरेक्ट टीम बोल की तरफ आए देव ने, जो कि यहाँ पर सर्वाइवर है देव ने, वो से टीम फाइट यहाँ पर ज्यूस बोबा को डाउन करा, सफर खत्म करने में सफल होंगे एकदम परफेक्ट। तो आसानी से फ्रिकिंग मसाला बनाया एंड घर भेजा देव ने, यहाँ पर जरूर फ्रिकिंग भावुक हो गए थे बट उसके बावजूद इन्होंने प्रेशर को हैंडल करके दिखाया एंड घर भेजा। यहाँ पर देव ने सफर खत्म करा एंड घर भेज दिया, उनके लाइनअप यहाँ पर काफी ज्यादा जो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पर ज्यूस के लाइनअप से आए थे, ज्यूस वैली अब यहाँ पर सोलो हो चुके हैं एंड उनके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 8 टीम्स है जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके अलावा सारी लाइनअप का फ्रिकिंग सफर इधर एज खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 8 टीमें मौजूद हैं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 21 है जो कि इंक्लूडिंग ऑल द टीम्स। वेलकायरी की तरफ चलते एक और बार, वेलकायरी नहीं हो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसका डिफरेंस क्रिएशन कर रहे हैं देखने वाली टोटली बात रहेगी। यहाँ पर सामने डिवाइन और ओमेन की लाइनअप है, जैसे कि हम देख सकते हैं नीचे की तरफ अगर हम थोड़ा सा बर्ड है कैमरे का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्लेयर डाउन भी दिख रहे हैं टीम 20 से। निया सामने की तरफ जाते हैं, यहाँ पर एक और प्लेयर उन्होंने डाउन करा जेनी, जो कि डाउन हो चुके हैं बहुत सही एंड उनका सफर भी किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा खत्म होने के। नबीना का भी सफर इधर खत्म एंड नबीना का सफर जिसने खत्म करा उनका नाम था वैसा एग्जिस्ट, यहाँ पर तो डाउन हो चुका बिकॉज टीम जो 24 है जो वेट टैनी की लाइनअप है, हमें कैसे इनविक्टस की लाइनअप यहाँ पर अपना प्रेजेंस रखते हुए जोन के बाहर है, जोन का घातक प्रहार इन पे पड़ता हुआ एंड उसके बावजूद मैं कहना चाहूँ टीम 22 ने खेल अपने नाम करी, जोन से मरने का मौका नहीं दिया, किल अपने नाम कर रहे हैं, 9 किल्स इनके पास आ चुके, सिर्फ 5 टीमें सर्वाइव कर रही है एंड उसके अलावा जितने भी लाइनअप्स यहाँ पर उनका सफर खत्म। कुछ ही देर पहले मैं देख रहा था 8 टीमें मौजूद हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर टोटल रेट ऑफ डिक्लाइनिंग जो है वो पूरी तरह इंक्रीज हो चुका है, वो पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव फेज पे आ चुका है जो कि हम टोटली में उम्मीद करते हैं इन आखिरी फेजों से। वेलकायरी की लाइनअप अभी तक सेव है, अच्छी बात है। टीम 13 की बात करें यहाँ पर ये सेव है, डेफिनेटली इनकी मुलाकात हो सकती है टीम 22 से। 15 की बात करें जो कि यहाँ पर एस्टेक की लाइनअप है, बोले तो यहाँ पर स्लॉट 15 TSS क्वीन से यहाँ पर इनका नाम है, फुल नेम है एस्टेक 19 भी यहाँ पर मौजूद है जो कि जरूर फ्रिकिंग इंटेंस फेज है, क्रिटिकल फेज है। यहाँ पर अवेयरनेस लेवल किसी भी टीम का यहाँ पर जब वो पहुँचते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हम टोटली यहाँ पर कॉमन तरीके से बता सकते हैं, बट उसके बावजूद वो अवेयरनेस क्या इन्हें हेल्प करने वाला है, क्या ये सही में यहाँ पर कोई टीम यहाँ पर कौन सी टीम जीतने वाली है, इसका फ्रिकिंग जवाब की बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। टीम थोड़ी की तरफ और बार जाते हुए ड्रॉप की तरफ एंड ड्रॉप की बात करें तो ड्रॉप में जरूर कुछ अच्छी लूट होगी। वेलकायरी की तरफ एक और बार इनके पास आया, ग्राउंड है सामने टीम नंबर 13 एंड यहाँ पर पूरी तरह ओपन पे ग्रैब करा है जीनिया को, डाउन करा एंड यहाँ पर ब्रॉन पे आते हुए वेलकायरी की पूरी लाइनअप, अच्छा फ्रिकिंग प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल, हालांकि एक प्लेयर डाउन जरूर हुआ बट उसके बावजूद यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर जवाब दिया था जो कि अच्छी बात है, जिसको दिया था जीनिया, हमने देखा था यहाँ पर जोन आ रहा है टीम 22 को फोर्स करता हुआ, ये जोन जो ब्लू जोन है अंदर की तरफ आने के चक्कर पे एंड राइट नाउ मैं यहाँ पर नॉकडाउन, वेलकायरी का गार्ड डाउन फॉर ये होने वाला है। महा की बात करें, महा यहाँ पर नॉकडाउन, जिस की बात करें जिस का भी सफर खत्म एंड ये डाउनफॉल टोटली होता हुआ ब्लू जोन यहाँ पर करा है। एस्टेक की बात करें यहाँ पर डुंडू की बात करें डाउन है, यहाँ पर WL की बात करते हैं यूनि सर्वाइव कर रहे हैं बट सिचुएशन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ZB के लाइनअप है वो यहाँ पर टोटली कैरी फॉरवर्ड कर रही है 7 किल के साथ है यहाँ पर एंड टीम 15 के यहाँ पर वाट लगा रही है, जो भी यहाँ पर जोन पे नहीं थे जोन से चीज होकर जो भी यहाँ पर आए सिचुएशन खराब हो रही। क्रिस्टल जैंग यहाँ पर नॉकडाउन, जिन्होंने नॉकडाउन करा वो फेरी लूना थे, सोलो सर्वाइवर बिहाइंड पे मारा, बिहाइंड से मारा एंड केल खत्म करा टोटली यहाँ पर क्रिस्टल जैंग का तरीके से यहाँ पर उनका सफर भी खत्म, उन्होंने कोशिश करी बट वो इनाफ नहीं था। तो मुझे लगता है इस मैच को टीम नंबर 13 ने जीत लिया फ्रिकिंग 10 किल के साथ, मैं कह रहा हूँ एक और किल लेते तो 11 किल्स हो जाएंगे एंड इस मैच को वो जीत जाएंगे। देव ने सोलो वॉरियर है, क्या यहाँ पर 1v3 क्लच हमें दिख सकती है सामने यहाँ पर कर्ज आते हुए, तो क्या उनको जवाब देने में सफल, जवाब दिया
बहुत खूब, बट यहाँ पर अभी भी कंफ्यूजन नहीं आता एक और जवाब, तो मतलब डिफरेंस क्रिएशन पे डिफरेंस क्रिएशन का मुजाहरा दे रहे देव ने। एंड यहाँ पर सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। टीम ने बताया कि लास्ट सर्वाइव जो है अगर उनका सफर खत्म करने में सफल रहता है, लेकिन उन्होंने मौका दिया यहाँ पर ज़िग्निया को रिवाइव होने का, क्या ये फ्रिकिंग वर्थ इट रहेगा देव ने इसे, देखने वाली बात रहेगी। अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बट स्टिल यहाँ पर स्टिल हमें पता नहीं चल रहा कौन जीत सकता है। मुझे लग रहा था यहाँ पर टीम नो 13 इस मैच को जीतने वाली है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से उस फ्रिकिंग सोच पे रोक लगा है इस देव ने यहाँ पर कुछ उसे प्रूव करने का, तो डेफिनेटली वो कर सकता है अगर वो जो दो प्लेयर है अगर वो उनको टोटली डिस्ट्रॉय करता है। उन्होंने यहाँ पर स्मोक करी है, डेफिनेटली यहाँ पर स्मोक पे स्मोक कर रहे हैं। अजीने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इनके पास फ्रिकिंग स्ट्रेंथ है ड्यूड, तो यहाँ पर इस स्ट्रेंथ का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं अगेंस्ट देव ने, ये टोटली यहाँ पर देखने वाली बात रही। ये मैच इंटरेस्टिंग हो चुका है मुझे कहना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया एंड आप टोटली फील कर सकते हो इस इंटरेस्टिंग वाइब को यहाँ पर। ज़िग्निया प्रॉन पोजीशन पे, क्यों वाइब की बात करें, ट्रेबल का इस्तेमाल होता हुआ ज़िग्निया की तरफ, बट डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी डाउन नहीं हुआ। बट हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का डैम जरूर लिया है देव ने, टोटली प्रॉन पोजीशन पे यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा एनर्जी ड्रिंक मारते हुए बहुत ज्यादा खूब। यहाँ पर जोन की बात करें, ब्लू जोन कुछ ही देर पे अब शिंक होने अभी शुरुआत होगी, बट अच्छी बात मॉली यहाँ पर क्रॉस करके जाता हुआ देव ने अभी तक स्पॉट नहीं करा। हम देख सकते हैं फ्रिकिंग ड्रोन कैमरा से वो टोटली स्मोक का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कैमोफ्लैज करने के लिए, जो कि अभी तक सही जा रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो उनका राइट हैंड साइड वाला प्लेयर है, मैं कह सकता हूं देव ने राइट हैंड साइड पर जो क्यू वाइब है जो कि यहाँ पर दूसरी तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहाँ पर स्पॉट करा, क्यू वाइब को मारने की कोशिश, बट उसके बावजूद यहाँ पर फ्रिकिंग जी ब्रैक्स की लाइनअप जीतने में सफल हुई। बहुत खूब, बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने जीता। देवनया ने यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जगाई थी अपनी लाइनअप के लिए, बट ये लाइनअप जीतने में सफल नहीं रही। बट अच्छी बात बताया गया यहाँ पर एक और इन्हें मौका मिलेगा, एक और बार यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने का मौका मिलेगा, जिसमें ये बराबर तरीके से बदला ले सकते हैं इफ दे वांट परफेक्ट दौरा पार आप तरीके से। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़े से किलिंग फिगर पे, मैं कहना चाहूँ कंग्रेचुलेशन टू द जी ब्रैट्स की लाइनअप जो इस मैच को जीतने में सफल हुई है 11 किल्स के साथ, जो कि काफी कमाल का किल फिगर है भाई। एंड पॉइंट से पहले काफी कमाल के यहाँ पर हेल्प भी करेगा आपको फ्रिकिंग, मैं कहना चाहूंगा रैंक अप करने में, बहुत बेहतर, बहुत कमाल का प्रदर्शन। तो जी ब्रैड्स की लाइनअप 11 किल के साथ फर्स्ट रैंक पे यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर GRL की लाइनअप जो कि यहाँ पर मौजूद है, गर्ल्स ऑफ ग्लोरी की लाइनअप 3 किल के साथ सेकंड पोजीशन पे, फेरी की लाइन की बात करें थर्ड पोजीशन पे बिना खाता खोले, एस्टेक की बात करें 2 किल के साथ फोर्थ पोजीशन पे, वेलकैरी गर्ल्स की बात करें यहाँ पर 9 किल के साथ फिफ्थ पोजीशन पे। अगर बात करूँ यहाँ पर इनविक्टस लाइनअप की बात करें 2 किल के साथ सिक्स पोजीशन पे, ज्यूस के लाइनअप इन्होंने कोशिश करी बट यहाँ पर 7 किल के साथ 7th फ्रिकिंग पोजीशन पे, डिवाइन और ओमेन यहाँ पर 4 किल के साथ 8 पोजीशन। एंड यहाँ पर जितने भी लाइनअप ने कोशिश करी अब देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने रैंक पाया, हालांकि वो जीतने में सफल नहीं, बट यहाँ पर उनके पास रीट्राई करने का एक और मौका है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर इसी तरह वो यहाँ पर अपना नाम दर्ज कराने वाला है। NR की बात करें बिना खाता खोले 9th पोजीशन पे, प्योर स्किल की बात करें यहाँ पर बिना खाता खोले 10th पोजीशन पे। अगर मैं बात करूँ हायरा जिनेस को, जिनकी पूरी लाइनअप यहाँ पर आने में सफल भी नहीं हुई थी, 0 किल के साथ 11th रैंक पे। पार्टी गर्ल्स 5 किल्स के साथ यहाँ पर 12th रैंक में, काफ़ी अर्ली मैं कहना चाहूँगा डिपार्ट हुआ था इनका, जो कि डेफिनेटली ये नहीं चाह रहे थे, बट यहाँ पर हुआ तो इनके पास एक और मौका प्रूव करने का, जो कि आई गेस मेरा मार में होगा सेकंड मैच। फनेटिक गर्ल्स की बात करें 1 किल के साथ 13th रैंक पे। अगर ENC की लाइनअप की बात करें 1 किल के साथ 14th रैंक पे। तो बॉयज इन गेल्स, ये था आज का पहला मैच जो कि हम सभी ने यहाँ पर विटनेस करा, अच्छा गया। एंड यहाँ पर मामला जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हुआ था आखिरी फेजों में, कहीं ना कहीं यहाँ पर देव ने उम्मीद जगाई थी अपनी लाइनअप के लिए, जो कि यहाँ पर टोटली जीतने में सफल नहीं रहे, बट उन्होंने कोशिश करी वो टोटली यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कमेंडेबल है, परफेक्ट तौर पर आप तरीके से। एंड एक और बात, इसी के साथ सेकंड मैच की शुरुआत कुछ ही देर पे होगी, अगर आपने इस मैच को एंजॉय करा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक सब्सक्राइब परफेक्ट तो रहा आप तरीके से। एंड इसी के साथ इस गाने को एंजॉय करने का, म्यूजिक को एंजॉय करने का, जो भी आप कह सकते हो, जो भी मैं कह सकता हूँ, कुछ ही देर पे हम सेकंड रूम के साथ वापसी करेंगे, तब तक इस म्यूजिक को एंजॉय करने का बराबर बराबर आप तरीके से रे देवा। Chevy, yeah. Just like a dolly.
I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and so, hour. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really slaving, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now, fuck the dividends. I'll be on the path, I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I'm gonna be when I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. And I'm not getting mad when I'm back with the blue. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going insane. When I do, I could never get no sleep. Cause I just need to get it, man, I need to be the thing that I just painted out, man, you won't go see. See my vision, I'll be in it, I'ma kill it, I'ma take it all. Coming in, I'ma play it now, I'ma kill him, dog, I'ma play the ball. Cause I gotta go and get it, man, I really just need it. Tell these guys that they can beat it. I'ma get it, I'ma grab it, man, take it, never receive it. I'ma make it mine, I'm explosive like a mine. I've been working every time, yeah, I do it on the grind. I'ma shine, yeah, every single day. I'ma kill this competition, cause I'm going so insane. Hey, I really go as I was saying, yeah, I guess really ran through the pain. But I'm just back on my path and I fixed it now, it's really all okay. So I ain't gonna waste my chest and just my time. So I'ma be a monster, I'ma kill him, this is mine, yeah, yeah. I got a million desires that I just need to go achieve. I just need to acquire. So I've been climbing up this ladder. Yes, I'm going up higher. I need to do it till the day that I might retire. You were fine all this time. I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away to ease. Bring it to a halt, back down. Bring it to a halt, you're back and it's all your fault. Back down. Bring it to a halt, you're back and it's all your fault. We'll be right back.
Heard about the people they think they know.
sight, put it up in your mind. But did you ever try to pop on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. सो देवी और सज्जनों, मेरा नाम बियारेस एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और बार इस क्वींस बैटल के चौथे हफ्ते पे। एंड राइट नाउ मैं एक और बार वापसी कर चुका हूँ इस एक और लेजेंडरी बैटल को विटनेस करने के लिए। एंड पिछला बैटल मैं कहना चाहूँगा अच्छा था, बहुत अच्छा था। जैसे कि मैंने बताया लास्ट में काफ़ी सारे हमें क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंस देखने का, आई मीन सिचुएशन हमें देखने का मौका मिला जो कि काफ़ी कमाल के थे। मैंने जरूर इन्जॉय करा है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी करा। तो यहाँ पर देखते हैं ये मैच कैसा होता है। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट मैच में जो भी यहाँ पर परफॉर्म करने में सफल नहीं हुए हैं या काफ़ी गलत तरीके से यहाँ पर उनकी मैं कहना चाहूँ नॉकआउट या फिनिश हुए हैं, तो यहाँ पर इस मैच में बदला लेने का मौका है। इस मैच में कुछ यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देके अपने फिकिंग पॉइंट लेवल पर आग लगाने का मौका है। तो डेफिनेटली और देखते हैं सीन क्या रहता है। बट उससे पहले थैंक यू वेरी मच जो भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इट रियली मींस अ लॉट। आप देख रहे हो इस मैच को, इट रियली मींस अ लॉट। मैं कहना चाहूँगा दो बार मैं कहना चाहूँगा मुझे बताया बिकॉज मेरे पास और कोई वर्ड नहीं कहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए। लाइक जो सब्सक्राइब करने का है एंड सब्सक्राइब करने का है, एंड ये भी मैंने दो बार बोला, क्या बात है। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहूँगा जो प्लेन है वो प्लेटफॉर्म से निकल चुका है, जहाँ पर ये मीरामार की बात कर रहा हूँ मैं। एंड मीरामार का मैप जो कि आप सभी को पता है बड़ा होता है थोड़ा, जिसका मतलब डिस्ट्रक्शन यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा लेंदी वे में हमें देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर कुछ जैसे कि टैक्टिकल अप्रोच भी काफ़ी सारी रहती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें टैक्टिकल सही मात्रा सही पैमाने में इतने खतरनाक ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लैक कोबरेरिया की बात करें तो वहाँ पर एक लाइनअप जो आते हुए जो कि है डिवाइन और नोमैन की लाइनअप, लास्ट में जीतने में सफल नहीं रहे, बट डेफिनेटली इस मैच पे टोटली डिफरेंस क्रिएट करना पसंद करेंगे डेफिनेटली। मैं कहना चाहूँगा 109% जो भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 12 है, परफेक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर अगर कोई भी स्लॉट बैक टू बैक दो मैच मिस करता है तो यहाँ से वो बैंड हो जाएगा। एंड ये इन्फॉर्म पहले दे चुका मैं कॉल दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर नेपाल की लाइनअप आने में सफल नहीं हुई है बिकॉज उनके फाइनल है। हालांकि मैंने लास्ट मैच में एक लाइनअप देखी थी, आई गेस एक या दो लाइनअप आई गेस अवेलेबल है इस मैच पे नेपाल की, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं। उनके यहाँ पर मे बी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, दैट्स वाई यहाँ पर वो आ चुके हैं। मे बी वो फाइनल में नहीं थे, दैट्स वाई यहाँ पर आ चुके हैं। तो दैट्स वाई हम उन्हें देखने वाले हैं। सामने K9 है, दैट्स फकिंग ग्रेट। K9 का मतलब डिफरेंस क्रिएशन, सौंदर्य खोपड़ी को खोलने का मतलब होता है K9, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर SKZ मौजूद हैं जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेवयार्ड की तरफ मैं अगर गौर फरमाता हूँ तो यहाँ पर ज्यूज की लाइनअप है एंड यहाँ पर NR की भी लाइनअप है। तो मतलब यहाँ पर काफ़ी गलत वाला मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है दोनों लाइनअप्स के लिए। अपने बोरे बहुत ही गलत वाला NR के यहाँ पर ओरियो है, LC मैरी यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है, एंड यहाँ पर ST LC भी यहाँ पर मौजूद है। एक लोग की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है जो कि टीम 11 से बिलोंग कर रहे हैं। एंड अगर बात करें ज्यूस के लाइनअप जो कि हम लास्ट मैच परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं, ज्यूस पोसी थोड़े से दूसरी तरफ है। वेट सटैने की बात करें तो यहाँ पर क्या स्वाप चल रहा है, जो वेट सटैने की लाइनअप है मैं कहना चाहूँगा पार्टी के साथ यहाँ पर उनका भिड़न होता हुआ, यहाँ पर उनकी मुलाकात होते हुए पार्टी गर्ल्स के लाइनअप पिछले मैच पर थोड़े अर्ली चले गए थे, बट इस मैच पर थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट देकर जाना चाहेंगे डेफिनेटली। पार्टी कायली ने आई गेस इस मैच पर भी यहाँ पर उजी लिया होगा डेफिनेटली, अभी तक मिला नहीं है, अगर मिलता तो मैं भी वो रिप्लेस भी कर दे। तो टीम 24 की सिचुएशन पर यहाँ पर अगर मैं गौर फरमाता हूँ तो यहाँ पर मुझे दो प्लेऑफ डाउन दिख रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर दो प्लेयर डाउन है, बेबी डाउन है एंड मिस डाउन है। जहाँ पर पार्टी बेहतर यहाँ पर नजदीकी मामले पर उनका सफर खत्म करते हुए वेट सटैनिक इनविक्टस लाइनअप से सर्वाइव कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं सफल वो टीम 24 ने। तो टीम नंबर 6 मुझे लगता है यहाँ पर थ्रैशिंग तरीके से ब्रूटल तरीके से यहाँ पर फिनिश करने वाली है इस लाइनअप को, जो कि हम टोटली देख सकते हैं। आई गेस यहाँ पर सही में टीम 6 टीम 24 का सफर इधर ही खत्म करने वाले। थरू एंड वेट सटैनिक क्या यहाँ पर अपनी टीम को इस मुसीबत से या इस माया जाल से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल है एंड ये बहुत ही बड़ी चीज अगर ये करने में सफल रहते हैं, बिकॉज सामने कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। पार्टी गर्ल्स की लाइनअप है जो कि डेफिनेटली पूरी तरह केपेबल है किसी भी टीम को चंद सेकंड्स में या चंद मिनट पे डिस्ट्रॉय करने में। एंड राइट तो सामने आए विक्टोरिया का सफर खत्म नहीं करा, बट यहाँ पर डाउन करा। या बात करें पार्टी कायली के, उनको भी डाउन करा। एंड पार्टी विंटर की बात करें सर्वाइव करने में सफल नहीं रहे दोनों तरफ से, पार्टी में रहता है विंटर ने घेरा केल खत्म करा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद जगी थी यहाँ पर, दो बैक टू बैक जो प्लेयर स्टार्टिंग में डाउन हुए विक्टोरिया कायली बूम डाउन, बट उसके बावजूद यहाँ पर जो इनविक्टस की लाइनअप है
वो इस मास्क को छोड़कर जा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ टीम जो थी यहाँ पर वो 12 थी एंड राइट नो 11 हो चुकी है। नंबर ऑफ प्लेयर की बात करें, टोटल अगर बात करूँ 42 यहाँ पर मौजूद है। ज्यूस की तरफ हमें जाना पड़ेगा बिकॉज ज्यूस खिलाने की तरफ थोड़ा सा यहाँ पर मुसीबत का सिनेरियो दिखता हुआ। यहाँ पर फ्रिकिंग डाउन कर रही है ज्यूस की लाइन, दो प्लेयर बैक टू बैक एनआर की टीम से मैं यहाँ पर डाउन देख रहा हूँ। फ्रिकिंग नो फ्रिकिंग डाउन जो कि ज्यूस की लाइनअप यहाँ पर कर रही है। लोग की बात करें, एक लोग यहाँ पर है, मैरी की बात करें जो कि यहाँ पर मौजूद है, नोरियो की बात करें जो यहाँ पर डाउन है, जो कि काफी गलत सिनेरियो क्रिएट कर रहा है एनआर की लाइनअप के लिए। सपोर्ट के तौर पर वो काफी ज्यादा है, मैं कहना चाहूंगा डिसएडवांटेज में यहाँ पर राइट नो टीम 5 की कंपेयर है बिकॉज टीम 5 यहाँ पर किसी भी उनको मौका मिलता है तो यहाँ पर टोटली डिस्ट्रॉय कर देगी। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है, स्ट्रेंथ से मेरा मतलब ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इस टीम का स्ट्रेंथ जो है इनके प्लेयर्स हैं, अगर उनके प्लेयर्स अगर कम है तो यहाँ पर सीन काफ़ी गलत हो सकता है। और यू एल सी की बात करें, आई गेस वो ब्लीड आउट करके खत्म होंगे या तो यहाँ पर जो दूसरे टीममेट जो अगेंस्ट में टीममेट वो यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। इनकी तरफ यहाँ पर आप फताते हुए अब टोटली यहाँ पर देख सकते हो डैमेज देने की कोशिश यहाँ पर टीम नंबर 5 कर रही है इनके अगेंस्ट, बट ये रिट्रीट कर रहे हैं एंड डेफिनेटली यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये निकलने में सफल होंगे, ये इसका जवाब कुछ देर में मिलेगा। एंड आई गेस ये सही डिसीजन मेकिंग करी है इन्होंने बिकॉज सामने जो टीम है वो डेफिनेटली काफ़ी केपेबल है। जैसे मैंने बताया पार्टी गर्ल्स के लाइनअप के लिए, वैसे मैं ज्यूस के लाइनअप के लिए भी कहना चाहूँ, ज्यूस के लाइनअप को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो यहाँ पर किसी भी वक्त भी आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनआर को इसके बारे में इन्फो है एंड दैट्स व्हाई दे आर रिट्रीटिंग, जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिट्रीट करो, बाद में जब सुनहरा मौका मिलता है, बाद में जब सिचुएशन या ये मैच जब आपकी मुलाकात कराती है उसी लाइनअप से कोर बार या आप एक और बार अर्ली फेज में करते हो या मिड फेज में करते हो, तब यहाँ पर आपके पास मौका डिफरेंस क्रिएट करने का एंड आपके पास अच्छी लूट भी होनी चाहिए। बिकॉज इनके पास अगर लूट की भी बात करो तो यहाँ पर एक लोग के पास ज़्यादा अच्छी लूट नहीं है। अगर मैरी की बात करूँ उनके पास फिर भी डिसेंट है, बट स्टिल यहाँ पर इतने एनाफ नहीं है लूट पूरी ज्यूस लाइन में खत्म करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर सोचने का था, अच्छा डिसीजन मेकिंग, मुझे अच्छा लगा। देखते हैं सीन क्या रहता है। माउंट वेबो के मैं कहना चाहूँगा इस जो ये जो जोन बना है, जो मैं कहना चाहूँगा मेन जोन जो बना है वहाँ पर माउंट नुएवो में यहाँ पर फेनाटिक गर्ल्स की लाइनअप है राइट नाउ। एंड फेनाटिक गर्ल्स बोले तो यहाँ पर सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में रहते हुआ, तो राइट नाउ ये सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पहले आ चुके हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल की बात कर सकते हैं हम। एंड जोन जो है ब्लू जोन वो श्रिंक होना भी शुरुआत हो चुकी है। एंड क्या ये जो लाइनअप है ये जोन में ही रहने वाली है, मुझे लग रहा है ये जो लाइनअप है जोन में ही रहने वाली है बिकॉज कहने की माउंट नुएवो को एरिया को कवर करने वाला है ये जोन, ये मेरी प्रिडिक्शन है। हालांकि गलत हो सकती है वो अलग बात है, देखते सीन क्या रहता है। अगर तरफ पार्टी की लाइन की तरफ कहो चलते हैं, पार्टी की लाइनअप की तरफ एक और बार आते हुए लास्ट मैच का गुस्सा अग्रेशन यहाँ पर दिखता हुआ। लास्ट मैच में जब ये अर्ली फेज में खत्म हुए तो डेफिनेटली वो चाह रहे तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया अगले मैच पे हम वाट लगा देंगे बिकॉज पहला मैच हमारा वार्म अप था रे देवा, तो डेफिनेटली यहाँ पर वार्म अप हो चुका है खत्म। एंड राइट टोम जो मेन शो है उनमें मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। एंड राइट नाउ उसी मेन शो पे किस तरह अप्रोच रखने वाले हैं, अभी तक जो रखी है वो बहुत खूब बराबर तरीके से। कायली की बात करें इनके पास टॉमी M4 है, लूट अच्छी है। यहाँ पर विक्टोरिया की बात करें इनके पास भी अच्छी कौन है, M4 यहाँ पर मौजूद है, M16 भी इनके पास है। बेरेटा की बात करें तो यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए विंटर इनके पास बैरल एंड M16 है, बहुत सही। जोन पे कोई भी नहीं है बट जोन से ज़्यादा दूर भी कोई नहीं है तो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर कोई भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में जोन के डैम से कम मरे लोग, हालांकि यहाँ पर मैं कहना चाहूँ मरे ना मैं ये उम्मीद करूँगा बट डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो जोन है ब्लू जोन वो करारा जवाब तो देता है, किसी ना किसी को देता है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्लू जोन है फंसते हैं वो यहाँ पर काफ़ी मैं कहना चाहूँ डिसअपॉइंट भी होते हैं जब जो भी वहाँ से नॉकडाउन होता है। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मैच पे जोन से बहुत कम मरे प्लेयर तो ज़्यादा बेटर रहेगा डेफिनेटली, देखते सीन क्या रहता है। जब बट जो भी मैं उम्मीद करता हूँ वैसा होता नहीं है तो देखते सीन क्या रहता है। तो मे बी ये हो सकता है कि जोन से सबसे ज़्यादा प्लेयर मर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ हमें पता है बाय द वे एंड डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने का रहता है बट हर बार वो सिचुएशन नहीं होती है। लेवल 3 हेलमेट यहाँ पर रखा हुआ है, इन्होंने मार्क कर दी परफेक्ट, तो यहाँ पर डेफिनेटली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर बार नहीं चलता है, अब हर बार जोन के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर पाता बिकॉज आपको पता है यहाँ पर टीम्स आती है, टीम मुलाकात होती है एंड जो टीम पहले जोन पर आ जाती है वो यहाँ पर कभी कभार आपको जोन पर आने का मौका तक नहीं देती, बड़ी वहाँ पर आपका टोटली थ्रैशिंग तरीके से आपको आपका चैप्टर क्लोज कर रही होती है, जो कि यहाँ पर कोई भी लाइनअप करेगी, इवन अगर मेरी लाइनअप भी यहाँ पर है जोन का एडवांटेज हो तो डेफिनेटली कोई भी लाइनअप उस मौके का फायदा उठाएगी, जो कि बेसिक थिंग है डेफिनेटली। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर है जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डेफिनेटली। ओके तो फेरी के लाइनअप जो कि स्लॉट 9 की लाइनअप है हम देख सकते हैं, स्लॉट 9 की लाइनअप की बात कर रहा हूँ, स्लॉट 9 की लाइनअप बोले तो यहाँ पर नाइट
फेरे की लाइनअप जो कि सर्वाइव कर रही है, पूरी लाइनअप मौजूद है, अच्छी बात है। एंड अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करूं तो अगर हम गौर फरमाते हैं तो सिर्फ यहां पर एक ही लाइनअप गई है एंड बाकी जो टीम्स है ज़्यादातर टीम्स अपने फ्रिकिंग पूरे फुल स्क्वाड के साथ है। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों ने कुछ टीमों ने यहाँ पर लॉस लिया है, बट ज़्यादातर टीम्स अपने पूरे स्क्वाड के साथ है जो कि एक परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट करता है किसी भी डिस्ट्रक्टिव फेस का। बहुत सही। स्लॉट फोर की बात करें, उनकी पूरी लाइनअप आने में सफल नहीं हुई। देव नाय ये स्टार मैं कहना चाहूँगा, स्टार परफॉर्मर तो ज़रूर रहेंगे बिकॉज इन्होंने ज़रूर उस सिचुएशन को यहाँ पर काफ़ी गजब का बनाया था, बट डेफिनेटली सर्वाइव करने में सफल नहीं हुए। बट उसके बावजूद गजब का तो बनाया था, तो एंटरटेन तो खेला था वे, तो अच्छी बात है। शिजुका की तरफ एक और बात चलते हैं। हम गए नहीं एक्चुअली ENC के लाइनअप की तरफ जो कि लास्ट मैच पे इनका खेल खत्म हो गया था। ENC के लाइनअप इस चर्च पे है, हम देख सकते हैं जोन के इनसाइड पे आ चुके हैं एंड उन्हीं के करीबी एरिया पे जो लाइनअप आ रही है वो ज्यूज के लाइनअप है। एंड डेफिनेटली अगर कोई भी लाइनअप किसी एरिया के करीब जा रही है, हमें दिख रहा है वहाँ पर कोई लाइनअप है, तो यहाँ पर मुलाकात होने की जो प्रोबेबिलिटी रेट है वो यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरुआत हो जाती है। ज़ेनिया की बात करें, ज़ेनिया यहाँ पर फ्रिकिंग एक्सप्लोजन से डाउन होते हुए ज़ेनिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं वो कौन से लाइनअप से बिलोंग कर रहे हैं। अगर बात करूँ क्या वो ZB से बिलोंग कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा ये जो ब्रैड की लाइनअप है, जी ब्रैड की जो लाइनअप है राइट नाउ, यहाँ वहीं से बिलोंग कर रहे हैं, नहीं यहाँ से वो डाउन भी हुए हैं, दैट्स व्हाई कुछ डिस्ट्रक्शन के कारण। जी ब्रैड्स पूरी लाइनअप खाता नहीं खोलते हुए ज़ेनिया की हेल्थ यहाँ पर रिकवर करना पसंद करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर अपने काम पे निकल चुके हैं, लग चुके हैं। ज़ेउस की लाइनअप यहाँ पर मुलाकात करने के बहुत ज्यादा करीब ENC से। बेले की पॉइंट भी से देखते हैं क्या हिसाब चल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल सकता है। टीम नंबर 12 भी देखते हैं वो क्या कर रहे हैं बिकॉज उन पे अभी तक टीम 5 पहुंची नहीं है। डेफिनेटली अच्छी बात है बट पहुंच सकती है। अलुदा की बात करें वो भी यहाँ पर पहुंच चुका चर्च के इनसाइड पर, जैसे ही जाते हैं मुलाकात इज ऑन बेबी, तो यहाँ पर सीन कुछ और रहेगा। एंड टीम नंबर 12 यहाँ पर जो अलुदा है यहाँ पर अंदर की तरफ जाने की कोशिश में भी यहाँ पर लग चुके हैं, टोटली यहाँ पर एंटर भी कर चुके हैं। एंड यहाँ पर मुलाकात की बात करें तो शिजुका सामने की तरफ है, शिजुका से मुलाकात हो सकते हैं। एंड यहाँ पर जहाँ जा रहे हैं वो ENC अरूरा जो यहाँ पर मौजूद है जो कि इन्हीं के लाइन से बिलोंग कर रहे हैं एंड बराबर मौजूद है। हालांकि मैं ज़ेउस पॉइंट से देख रहा था तो कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूज हो गया, कर ले बात, ओके सॉरी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं गलती से मैंने ज़ेउस अज्यूम कर लिया था अलुदा को, डेफिनेटली माफी मांगना चाहूँगा। तो यहाँ पर ज़ेउस की लाइनअप अप्रोच कर रही है, डेफिनेटली मैं देना चाहूँगा, हालांकि मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से चला गया था। हालांकि कब स्विच हो जाता पता नहीं चलता है, कभी कभार खासकर एग्जामुलेटअप है एवरी बोर है। ओके यहाँ पर अटैक की आवाज़ आते हुए, शॉर्ट्स फायर की आवाज़ आते हुए ज़ेउस बोबा यहाँ पर शिजुका को देख सकता है, मैं देख सकता हूँ विंडो की बहुत ज़्यादा करीब स्मोक करते हुए राइट नाउ। एंड शिजुका यहाँ पर इनको भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर हल्का सा भी पोजीशन अपनी देते हैं तो यहाँ पर ज़ेउस आ चुके, नेड का इस्तेमाल करा, बोबा फ्रिकिंग नॉकडाउन यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर नेड पे काफ़ी लेट गौर फरमाया जिसके कारण खेल फ्रिकिंग खत्म एंड काफ़ी अच्छा कोक्ड भी था वो नेड, तो डेफिनेटली अब ज़्यादा मौका नहीं मिलता अगर वो देख भी लेते तो। यहाँ पर डाउन होना कहीं ना कहीं उनके नसीब में था, हालांकि रिवाइव होने में सफल रहेंगे। बोबा यहाँ पर नॉकडाउन है। पहले की बात करें इस रिच का इस्तेमाल करते हैं, ENC अलुदा की बात करते हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट करने का अच्छी कार है बट ये कार इनको डेफिनेटली बचाएगी इस कवर बन के। तो डेफिनेटली देखने वाली बात रहेगी, शिजुका के पास मिनी है, इनके पास 8X है, काफी कमाल की बात है। यहाँ पर बेबी बॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर बार, अगर मैं जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो डेफिनेटली ये मेन जोन पे नहीं है, ब्लू जोन कुछ देर पर मूव होना शुरू होगी बट उससे पहले यहाँ पर कुछ मैं कहना चाहूँ या तो फिनिश करने का या तो यहाँ पर यहाँ से कोई रिट्रीट करेगा, दोनों में से एक चीज़ होने वाली है, कुछ तो होने वाला है। ज़ेउस के लाइनअप जोन में नहीं है, ये तो देख सकते हैं हम, सुनी यहाँ पर जोन पे नहीं है। ज़ेउस के लाइनअप से अलहुदा पे गौर फरमाया, अलहुदा ने यहाँ पर अपना पूरा टाइम लिया, यहाँ पर वो काफ़ी मैं कहना चाहूँ काफ़ी ज़्यादा गलत हिसाब करा उन्होंने, अपने आप को मौका दिया नॉकडाउन होने का जो कि गलत था। ज़ेउस वेले ने यहाँ पर नॉकडाउन करा है, तो यहाँ पर ज़ेउस के लाइनअप इस मौके फायदा उठाते हुए सुनी ने यहाँ पर ऑरा को भी डाउन करा, तो मतलब ENC के दो प्लेयर बैक टू बैक नॉकडाउन, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं यहाँ पर घूम सकती है ज़ेउस के लिए। मुझे कहना पड़ेगा ज़ेउस के लाइनअप यहाँ से मैं कहना चाहूँगा इस टीम को एलिमिनेट कर सकती है अलुदा के बचाने के चक्कर पे यहाँ पर ब्लीड आउट भी कर सकते, बिकॉज बचाना अगर है किसी को भी एक्चुअली वो ऑरा को बचा सकते हैं बट यहाँ पर अलुदा की बात करें तो यहाँ पर घूम के जाना पड़ेगा, स्मोक का इस्तेमाल करें कर सकते हैं बट काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रहेगा। शिजुका की बात करें डाउन होते होते नहीं बचे, कहीं ना कहीं बच गए थे, अंदर गए विंडो पे दिखे एंड बूम डाउन होते हुए। एंड ENC की लाइनअप बहुत खस्ता हालात पे, बहुत ज्यादा खस्ता हालात पे, बेबी बॉट सर्वाइव कर रहे हैं, सिर्फ सोलो सर्वाइवर है, मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पर बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स का खेल खत्म। एंड अगर मैं ब्लू जोन की बात करूँ तो ब्लू जोन भी यहाँ पर क्लोज इन कर रहा है, तो बेबी बॉट का सफर क्या यहाँ पर खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़ेउस की लाइनअप ने यहाँ पर लॉटरी लगा दी है, टोटली अपनी लॉटरी लगा दी है, मोमेंटम अपनी तरफ खींचा,
boom baby, and yahan par right now eighth freaking situation ko yahan par totally apne haathon pe lene wale, control pe yahan par leke aa chuke, because baby bot kis tarah yahan par situation unke haath se le sakte hain ye kahin na kahin mujhe impossible dikh raha hai right now, because ye bahut zyada hard rahega inke liye. To baby bot kya karte hain right now, dam lena bhi shuru karte hain, unki position crack ho chuki hai apne bore, situation galat hai. Baby bot फर्स्ट एड मारते हुए स्मोक कर रहा है, स्मोक उन्हें बचा रहा है कुछ देर के लिए, बट जोन नहीं बचा रहा है, बिकॉज ब्लू जोन का जो डैम है वो तो पड़ना ही है ना बॉस, बिकॉज वो रुक नहीं सकता है. बेबी बॉट का सफर खत्म, मुलाकात हुई पुसी से, एंड पुसी ने यहाँ पर मारा स्मैश एंड बूम किल खत्म. तो जियोस की लाइनअप के पास यहाँ पर छह किल्स आ चुके हैं, बहुत खूब बहुत बेहतर, छह किल्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, एंड उनको यहाँ पर अंदर आने का रहेगा. अभी ड्रॉप की तरफ देखते हैं डिवाइन और नोमिन की लाइनअप जो कि जोन के इनसाइड पे है, एंड हैरानी की बात इन्होंने खाता नहीं खोला अभी तक, मतलब मुलाकात ही नहीं हुई है, दैट्स व्हेन इन्होंने खाता नहीं खोला है. यहाँ पर दो टीम्स आ चुकी है, तो मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ डिक्लाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा कम है, बिकॉज अभी तक सिर्फ दो टीम गई है राइट नाउ, मैं कहना चाहूँगा टोटल 12 दिए एंड राइट नो यहाँ पर अभी 10 है, तो यहाँ पर काफी आराम से यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, बट हम करीब जितना पहुंचेंगे सिनेरियो के, जितना क्लोजिंग सिनेरियो होगा उतना मुझे लगता है यहाँ पर जो डिक्लाइनिंग रेट है वो बढ़ेगा, बिकॉज ये मेरा हमारा यहाँ पर काफी ज्यादा एरिया, काफी ज्यादा बड़ा मैप है, एंड जो जोन श्रिंक होता है उसके उस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है, जब प्लेयर्स कम रहते हैं किस तरह एलिमिनेट आई मीन डिक्लाइनिंग रेट कितना यहाँ पर इंक्रीज रहेगा डिक्रीज रहेगा, दोनों में से एक चीज. ओके देखते हैं जियोस के लाइनअप, यहाँ पर उनके पास गड्डी है परफेक्ट, और आप तरीके से उस गड्डी से वो अंदर आने में सफल होंगे बिना किसी मैं कहना चाहूँगा बिना किसी हेजिटेशन के, परफेक्ट तो उनके लिए अच्छी बात है. और जेड जी ब्रैड की बात करें सर्वाइव कर रहे हैं ड्रॉप के, यहाँ पर जो डिवाइन अनोमन है वो यहाँ पर लूटते हुए, एंड प्योर स्किल के लाइनअप यहाँ पर क्या कर रही है पीस है यहाँ पर है पूरी लाइनअप, एंड काफ़ी सारी लाइनअप्स यहाँ पर इन्होंने खाता नहीं खोला है. फेनाटिक गर्ल्स की लाइनअप करीब एरिया पे वेलकैरी से देखते हुए, वेलकैरी की लाइनअप ने काफ़ी अच्छा किल फिगर दिखाया था लास्ट मैच पे, काफ़ी अच्छा किलिंग लिए थे एंड काफ़ी अच्छे अप्रोच भी रखे थे. वेलकैरी नहीं यहाँ की बात करते हैं, वो यहाँ पर उनके पास कार 98 है, एंड आई गेस एक प्लेयर ने जिनके पास कार 98 इस टीम में अगर मैं गलत नहीं हूँ, एंड की बात करें इनके पास भी यहाँ पर कार 98 नहीं है बाय द वे, तो यहाँ पर दो स्नाइपर मैं कह सकता हूँ, एक के पास M24 है एंड एक के पास K9 एवर बोरे K98 यहाँ पर मौजूद सामने 25 के लाइनअप. फेनाटिक गर्ल्स गड्डे की बात करें, गड्डे यहाँ पर टोटली डिस्ट्रक्टेड है, यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसको टोटली प्रॉपर डिस्ट्रॉय करने में, तो डेफिनेटली इस गड्डे को अवॉइड करना पसंद करेंगे. पर्ल की बात करें जो कि वो जानते हैं, मुझे बताने की दरकार नहीं, बट डेफिनेटली मैं बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. युका की बात करें इस रोड के उस पार जो पेट्रोल पंप हम कह सकते हैं वहाँ पर प्लेयर्स हैं, एंड वहाँ पर मुलाकात होने की संभावना यहाँ पर टोटली यहाँ पर इनकी एम गर्ज हो चुकी है, कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश करी बट जो शॉट लिया यहाँ पर कोई भी डाउन नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं यहाँ पर एक और शॉट लिया एक और बार कोई रिजल्ट नहीं आता. वेलकैरी की लाइनअप से कोबा देखते हैं, बिकॉज ये टोटली डेस्परेटली यहाँ पर क्रॉस करना पसंद करेगी, क्लोज इन करना पसंद करेगी, बट डेफिनेटली इनके पास समय है, इनके पास वक्त है, एंड अगर मैं थ्रेट लेवल की बात करूँ तो इतना थ्रेट भी यहाँ पर नहीं है, बिकॉज इनके करीबी एरिया में से एक ही लाइनअप है जो कि यहाँ पर 25 है. यहाँ से जो महा है बकी की तरफ आते हैं, उनके पास काफ़ी सारा व्हीकल भी है जो कि काफ़ी कमाल की बात है, इनके पास व्हीकल है, अगर ये निकलना होगा तो सब एक सेपरेट व्हीकल लेके निकल सकते हैं जो कि कमाल की बात है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बहुत खूब बहुत बेहतर. अगर हम थोड़ा जूम इन करते तो यहाँ पर जो जोन है, अगर मैं ब्लू जोन की बात करूँ चर्चा करता हूँ मैं, तो यहाँ पर वो श्रिंक होना डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ही देर पर शुरुआत होगी उसकी, जो कि शुरुआत अभी तक नहीं हुई है, बट जो मेन जोन है वो यहाँ पर काफ़ी इतू सा हो गया है, लेकिन उसके बाद एक और इतू सा हो जाएगा, मतलब और छोटा हो जाएगा, उसके बाद और छोटा है, उसके बाद क्रिटिकल जो डॉम मैं कहना चाहूँ जो डोमिनेशन है वो यहाँ पर शुरुआत होगी उस फेस की डोमिनेशन फेस. ज्यूस बैली ने यहाँ पर लोग एमसी का सफर खत्म करा, एलसी की बात करना चाहूँ एंड मैरी का भी सफर खत्म. ज्यूस के लाइनअप ने मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर बस देख रहा था यहाँ पर इन्होंने काफ़ी आराम से खत्म करा, तो 8 केल्स जेब में डाल दिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपने अप किया है, मोराल को टोटली यहाँ पर ऑटोमेटिकली अप कर दिया, अब तो टीम 5 सर्वाइव कर रही है परफेक्ट, और आप तरीके से 8 किल्स इनके पास बहुत सही, एंड ज्यूस के लाइनअप यहाँ पर सर्वाइव कर रही है. जोन की बात करें जोन पर जाना पड़ेगा, बट यहाँ पर सिचुएशन सही है अभी इनके लिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर उतना प्रेशर है सिचुएशन नहीं लग रहा बिकॉज ज़्यादा प्लेयर्स सर्वाइव नहीं कर रहे हैं. डेफिनेटली यहाँ पर 33 है सिर्फ, यहाँ पर 9 टीम्स अलाइव है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांस लेने की जगह है जो कि इनके जो भी जो कि लाइनअप्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है, एंड डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एड करना भी पसंद करेंगे. तो यहाँ पर किलफीड पर लेट रजिस्टर होता हुआ जो कि डेफिनेटली मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, बट डेफिनेटली यहाँ पर होता हुआ. वेलकैरी महा के पास बगी एंड इनका जो इनकाउंटर चल रहा था जैसे कि मैं गौर फरमा रहा था 25 के लाइनअप जो कि यहाँ पर नो नॉक डाउन है. पॉल यहाँ पर रिवाइव करते हुए यूका यहाँ पर, तो क्या 22 के लाइनअप यहाँ पर बदला लेने आ चुकी है,
आई गेस जी हाँ, तो टीम 22 यहाँ पर आ चुकी है। यूका की तरफ नेड करी बट उस रूम पे यूका नहीं जा रहे, बट क्या वो गए वहां पर दिखने वाली बात है। यूका की बॉडी व्यू से गौर फरमाते वो यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक मारते हुए पूरी लाइनअप सर्वाइव कर रही है, रिवाइव हो चुकी है। नीचे टीम 22 है, पोल के पॉइंट व्यू से भी थोड़ा सा गौर फरमाते हैं, वो यहाँ पर गौर फरमाते हुए नीचे की तरफ जाते हैं जो कि बहुत रिस्की मूव था। बिहाइंड से पोल को डाउन करा जो कि बहुत रिस्की मूव था, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। नोनो की बात करें, नोनो भी यहाँ पर नॉक डाउन, यूका पे पूरा पूरा लार बताया बट वो जो रिस्की मूव था आई गेस वो यहाँ पर काफी गलत वाला ब्रेक से दिलवाता हुआ टीम 22 को, जो कि आई गेस वो करना बहुत हार्श था, बहुत ज्यादा रश वर्दी था। अगर वो नहीं करते तो मे बी कुछ और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मिल पाते उन्हें, बट ऐसा उन्होंने नहीं करा एंड उन्होंने यहाँ पर टोटली अपनी जान गवा दी एंड पूरी लाइनअप का सफर खत्म कराया। वेल कैरी की लाइनों की बात करना चाहूँ, चार किल के साथ यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर बराबर सर्वाइव कर रही है एंड इनको दूसरी तरफ से अटैक भी पड़ रहा है एंड जो टीम इन पर अटैक कर रही है वो प्योर स्किल सेलेनियम की लाइनअप है। राइट नाउ इन पे स्मैश देने की कोशिश कर रही है, इनकी पूरी लाइनअप सर्वाइव कर रही है बट इन्होंने खाता नहीं खोला, तो इनको हंट करने का है, कम ऑन इनको हंट करने का है। यहाँ पर टीम नंबर 9 उनका इंतजार कर रही है एंड 9 की बात करें, 9 भी इनके लिए जैसे इनको देखती है रेडी होना पसंद करेगी, बट यहाँ पर सैसी को जवाब दिया जुलागा ने, फ्रिकिंग उजी का इस्तेमाल करा, बूम माइक्रो उजी बोले तो माइक्रोवेव की तरह यहाँ पर अटैक करती है एंड बूम उनको डाउन करा है सैसी यहाँ पर नॉक डाउन। तो यहाँ पर 9 का फ्रिकिंग पहला ब्लो था, बहुत खूब बहुत बेहतर। नीमो की बात करते हैं यहाँ पर क्या करने वाले, सामने किसे दिख रहे हैं मुझे एंड इवन बात करें किट कैट की बात करें तो किट कैट भी यहां पर मौजूद, किट कैट एंड वहां पर वो डाउन हो चुके। नोमिन क्या कर रहा है, मेलोडी की बात करते हैं यहां पर रिवाइव करना पसंद करेंगे टीम नंबर 9 की लाइनअप को, जो कि यहां पर जो यहां पर नॉक डाउन हो रखे हैं। किट कासी की बात करते हैं कॉल बार जो कि डाउन होते होते बच गए, किसे की बात करें सैक्सी को रिवाइव करते हैं एंड पीसे की बात करें जो कि यहां पर थ्रोएबल का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं एंड थ्रोएबल जो कि काफी गलत वाले डिसाइडिंग फैक्टर भी यहां पर बन सकता है, इसको अवॉइड करना पसंद करेंगे जो कि यहां पर नेट जो दूसरी दिशा पर जाता हो अच्छी बात एंड यहां पर जुलागा ने रहेगा नोमिन मेलेडी की तरफ, मैं कहना चाहूँ नोमिन की तरफ यहाँ पर पूरी लाइन अब धीरे धीरे दो जो प्लेयर है जो यहाँ पर तीसरा प्लेयर वो यहाँ पर जाता है उनकी तरफ, किसे का सफर खत्म। टीम 10 को यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे डिसएडवांटेज में फेंकते हुए सामने के कैसे डेफिनेटली मारने की कोशिश करी, इनके पास टॉमी जरूर थी बट डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएशन नहीं आता हुआ। एक और बार देर नोमिन की बात करें तो यहाँ पर रिवाइव करने के लिए जुलागा आ चुके हैं, नीमो की बात करें अपने स्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ये 22 की लाइनअप पे भी गौर फरमा रहे बॉयज इन विकिंग गेल्स यहाँ पर हेड शॉट देने की कोशिश करी बट यहाँ पर हेड शॉट कनेक्ट नहीं होता हुआ, एक और शॉट एंड एक और मैं कहना चाहूंगा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बट यहाँ पर कोशिश करना चाहेंगे बट यहाँ पर मेलोडी नॉक डाउन। फिर जिन्होंने इनको करा है वो टीम 22 की लाइनअप है एंड टीम नंबर 10 क्या कर रही है वो यहाँ से निकल रही है बट टीम नंबर 22 जो है वो यहाँ पर उतनी दूर होकर भी डिफरेंस क्रिएशन कर रहे हैं, बॉयज एंड विकिंग गेल्स वो यहाँ पर रुक नहीं रहे एंड डेफिनेटली ये टोटली कैरी फॉरवर्ड करने वाला है टीम 22 की तरफ। एक और बार सामने टीम नंबर 10 जाते हुए गड्डी लेके यहाँ से निकल चुकी है, वेल कैरी की लाइनअप बाय द वे फ्रिकिंग मैं कहना चाहूंगा बाय द फ्रिकिंग वे यहाँ पर जरूर काफी कमाल का डिफरेंस क्रिएशन हमें देखने का मौका मिलने वाला है वेल कैरी के लाइन से, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ। लेट्स सी कितना वो ब्रूटल हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है। जी बाइट की बात सॉरी जी की तरफ चलते हैं, जी ब्रैट की बात कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, तो जी ब्रैट की लाइन अब कौन से टीम से यहाँ पर करीब एरिया पे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 8 है राइट नाउ एंड ये हम धीरे धीरे क्लोजिंग सिनेरियो पे पहुंचने क्लोजिंग होने वाला है। टीम नंबर 10 का यहाँ पर अपने प्लेयर्स खो रहे हैं, जी हाँ वो यहाँ पर डाउन हुए हैं यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर पी से यहाँ पर डाउन है, जैसे की बात करें जोन से यहाँ पर खत्म होते हुए एंड यहाँ पर अगर 13 की बात करें जो जहाँ पर मुझे दो प्लेयर नॉक डाउन ऑलरेडी दिख रहे हैं, क्या वेल कैरी की लाइनअप इनको गौर फरमा रही है। लेट्स बिकिंग सी रेस्ट ऑफ द टीम मेट्स देखते हैं, मे की बात करें वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनी की बात करें तो यहाँ पर टीम नंबर 6 पे गौर फरमाया जा रहा है, टीम नंबर 6 पे गौर फरमाया जा रहा है, टीम नंबर 6 बोले तो पार्टी की लाइनअप जिनको यहाँ पर मारने की कोशिश, ज्यूस की लाइनअप पर बॉब जाना पसंद करेंगे। ज्यूस की तरफ चलते हैं, क्या हिसाब चल रहा है यहाँ पर, ज्यूस बॉब डाउन है हम इतना कह सकते हैं। बड़े कैमरे अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो प्लेयर थे यहाँ पर राइट नाउ इनके करीबी एरिया पे उनका सफर खत्म हो चुका, वो यहाँ से जा चुके हैं, हम जरूर लेट पहुंचे बट उनका सफर खत्म है। एक और बार 22 की तरफ वेलकायरी में एक और बार टीम 13 मुझे सामने दिख रही है, 13 बोले तो यहाँ पर जी ब्रैट की लाइनअप जिन्होंने यहाँ पर कोई वाइब को खोया है कुछ ही देर पहले आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यहाँ पर टीम नंबर 9 भी यहाँ पर करीबी एरिया पर दिख रही है। PSPC की बात करते हैं जहाँ पर वेलकायरी यहाँ पर डाउन करते हुए प्रॉन शॉट देते हुए एंड यहाँ पर जो वेलकायरी की लाइनअप है गलत स्थिति में दिखता है बट उसके बावजूद वेलकैरी महा ने वापसी करवाई अपनी लाइनअप को, उनका सफाया करके पीसे का घर भेजा एंड अपनी टीम को फिर रिवाइव करवाया रे भाई बहुत सही, बट कहानी का अंत अभी तक नहीं। टीम नंबर 30 वर्सेस 6 का एंड कर दिया जापान की जैंग जो है वो यहां पर मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। जीना की बात करें, जीना ने यहां पर हाई ग्राउंड का अच्छा सपोर्ट दिया, हालांकि वो लेट हो गए बट उन्होंने यहां पर डाउन करा है
डेफिनेटली उन्होंने कंफर्म किल नहीं करी है। कर्ज की बात करें तो कर्ज को भी यहाँ पर आने की दरकार है, बट फॉर टीम नंबर 9 के इनकाउंटर में बिजी है जो कि गलत सिनेरियो। फेरी क्वीन सामने की तरफ यहाँ पर दिखने वाली बात है, फेरी क्वीन यहाँ पर डाउन करने में सफल हुए कर्ज को जो कि टीम 13 के लिए गलत एग्जांपल सेट कर रहा है, बट सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, बहुत सही। यहाँ पर टीम नंबर 9 पे बहुत मारे डाउन कर रहे हैं जीनिया, अच्छी बात। एंड यहाँ पर एक लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहा है जिनका नाम है डेरे नोमियन, जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि टीम नंबर 9 से बिलोंग कर रहे हैं। पर उनकी टीम की बात करें, उनकी टीम का पूरी तरह सफाया हो चुका है जो कि गलत है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर क्या फेरी जुला गया उन्हीं के लाइन से बिलोंग कर रहे हैं। नोमियन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा गलत है, उनको यहाँ पर रिकवर होने की दरकार है बहुत ही इंस्टेंट, मैं कहना चाहूँगा बहुत जल्दी, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, यहाँ पर दरकार होगी यहाँ पर रिकवर होने की। पार्टी की लाइन है 5 के साथ क्या कर रही है देखने वाली बात रहेगी। वेलकारी की तरफ एक और बार मैं यहाँ पर आता हूँ, वेलकारी महा यहाँ पर नॉकडाउन है जैसा कि मैं देख सकता हूँ, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कहानी गांत अभी तक नहीं हुआ है, कहानी यहाँ पर अभी भी चल रही है। फेरी जुलागा यहाँ पर पार्टी की लाइन कॉन्फर्म आ रही है 9 पे, फेरी जुलागा उनके पिकी रेडार पे आई एंड उनको डाउन करने में सफल हुए, पूरी तरह डाउन करने में, कन्फर्म किल करी एंड घर भेजा। एंड ओमिन की जो लाइनअप है वो यहाँ पर अब ज्यूस पर गौर फरमा रही है, ज्यूस वर्थ इट। ओमिन की लाइनअप ज्यूस पुश यहाँ पर डाउन, उनको कंफर्म किल करने की कोशिश, ज्यूस पुश यहाँ पर डाउन, जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यूस बोबा फर्स्ट एड मारते हुए पहली यहाँ पर डेफिनेटली इनकाउंटर करना पसंद करेंगे। सुनी की बात करें वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंड जो 22 की लाइनअप है जो कि यहाँ पर 6 पर लगी हुई है, एंड 22 का लाइनअप का खेल खत्म, टीम 6 ने यहाँ पर घर भेजा, 8 किल्स अपने जेब में डाले हैं, यहाँ पर अपनी किल्स जो वो इंक्रीज कर रहे हैं। ज्यूस का लाइनअप जो कि कुछ ही देर पहले आफत में थी, मुझे कहना पड़ेगा अभी भी वो किसी एक तरीके की आफत में ही यहाँ पर मौजूद है, 12 किल जरूर इनके पास होंगे, बट इस मैच इन्होंने अभी तक नहीं जीता है। एंड यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर किल फिगर दिखाते हुए, बट ये क्या ये इनफ है इस मैच को जीतने के लिए। जी ब्रैक की बात करें वो जो कि सोलो सर्वाइवर है, ये भी काफी घातक वाला फ्रिकी प्रेशर एंड डैमेज दे सकता है किसी भी टीम को, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये सोलो सर्वाइवर बड़े घातक होते हैं एंड काफी घातक प्रहार भी कर सकते हैं। ओमिन की तरफ एक और बार डिवाइन ऑन ओमिन की तरफ मैं आ चुका है एक और बार। जेनी की बात करें यहाँ पर काइल को डाउन करने में सफल हुए, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा डिवाइन ऑन ओमिन यहाँ पर गॉड फरमाते हुए टीम नंबर 6 पे पार्टी विंटर रिवाइव कर रहे हैं। बेरेटा की बात करें कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह, एंड जेरेमाया की बात करें अगर मैं कहता हूँ उनका सफर जरूर खत्म हो चुका है, यहाँ पर पार्टी विंटर ने उनका सफर खत्म करा, बट उन्होंने उससे पहले नॉक डाउन भी करा था, डेफिनेटली यहाँ पर फिनिश नहीं करा, बट विक्टोरिया ने डिफरेंस क्रिएट करा, सोनी को भी यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ से फ्रिकिंग चैप्टर क्लोज करा टीम 5 का, दोनों तरफ से यहाँ पर अच्छा कोऑर्डिनेशन का मुजाहरा दिया एंड टीम नंबर 6 सर्वाइव करने में सफल हुई। बट दिक्कत की बात बताया क्या है, यहाँ पर उनकी पूरी फ्रिकिंग जो वुमेन पावर है राइट नो वो सर्वाइव करने में सफल नहीं हुई, यहाँ पर उन्होंने 2 प्लेयर खोए जो कि एक बहुत ही गलत हिसाब रहेगा। एंड डिवाइन ऑन ओमेन जो कि यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ के साथ है एंड ये अपने जीतने के चांसेस उसको क्रिएट कर चुके हैं बहुत ज्यादा, 12 किल्स के साथ यहाँ पर पार्टी की लाइनअप एंड 20 की लाइनअप जो यहाँ पर 2 किल के साथ मौजूद है। सिचुएशन बड़ा यहाँ पे गलत होने वाले, पार्टी काइली के डाउन के संग सिचुएशन और ज्यादा क्रूशियल हो चुका है टीम 6 के विक्टोरिया के लिए, बिकॉज जो दरमदार है वो इन पे एंड यहाँ पर जीतने की संभावना उतनी ही कम थे टीम नंबर 6 के लिए। क्या यहाँ पर लास्ट मैच की तरह कुछ सिचुएशन इंटरेस्टिंग हो सकता है, यहाँ पर कुछ गजब का कुछ अलग चीज हो सकता है, वो डेफिनेटली हम देखने वाले, क्या ये पॉसिबल है, क्या कुछ अलग हो सकता है, बट यहाँ पर वॉल डैमेज के साथ बच गए, सिचुएशन बड़ी खराब है, जोन के साथ पार्टी विक्टोरिया का सफर खत्म एंड इस मैच को जीत लिया डिवाइन एंड ओमेन के लाइन, मैं कहना चाहूंगा ओमेन के लाइन अपने काफी आसानी से, मैं कहना चाहूंगा फ्री विक्ट्री बहुत सही स्वाइप करने में सफल हुए, 3 किल के साथ इन्होंने इस मैच को जीता। कंग्रेचुलेशन टू द डिवाइन ऑन ओमेन के लाइन जो इस मैच को जीतने में सफल हुई है, बड़ा बेहतरीन मैच था मुझे कहना पड़ेगा, बड़ा बेहतरीन मैच, बड़े डिफरेंस क्रिएशन हमने देखे एंड मैंने इस मैच को एंजॉय करा, मैं कहना चाहूँ ये मैच मेरा फेवरेट था लास्ट मैच कंपेयर में, बहुत बेहतर एंड मैंने इस मैच को एंजॉय करा। अब देखते हैं इनके स्ट्रैट पे, इनके मैं कहना चाहूँ इनके किल फिगर पे गौर फरमाते हैं इन्होंने क्या क्या किल फिगर लिए है। तो पहली लाइनअप 3 किल के साथ डिवाइन और ओमेन के लाइनअप यहाँ पर जीतते हुए 3 किल के साथ फर्स्ट रैंक बराबर आप तरीके से अटैक करते हुए, पार्टी की लाइनअप अनलकी रही, मे बी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएशन कुछ और क्रूशियल वाला हो सकता था, बड़ा ऐसा नहीं हुआ एंड यहाँ पर इस मैच के इन्होंने जीता तो नहीं है बट इन्होंने सेकंड रैंक गेन करी है 12 किल्स के साथ सेकंड रैंक पे और पार्टी की लाइनअप। ज्यूस की बात करें यहाँ पर अगर इनकी मैं बात करूँ 14 किल के साथ थर्ड रैंक पे यहाँ पर मौजूद है, रे भाई थर्ड रैंक पे मौजूद है, किल फिगर बड़ा क्रिटिकल
एंड कहीं ना कि यहाँ पर जीतने में सफल हो सकते थे, बट कहने की हेल्प करने वाला पॉइंट टेबल है, मुझे इतना कहना पड़ेगा। तो ZB की बात करते हैं, Z Brat की लाइनअप की बात करें फोर्थ रैंक पे दो किल के साथ, वेलकैरी की लाइनअप की बात करें छह किल के साथ फिफ्थ रैंक पे, फेरी की बात करें दो किल के साथ सिक्स रैंक पे, प्योर स्किल सेलेनियम खाता खोलने में सफल नहीं रहे, अनलकी रहे जो कि डेफिनेटली यहाँ पर नहीं चाहते। सेवन्थ रैंक में यहाँ पर आते हुए मैं अगर इस लाइनअप की बात करें जो कि है गर्ल्स ऑफ ग्लोरी की लाइनअप, यहाँ पर एट रैंक पे जीरो किल के साथ फिनेटिक गर्ल्स की लाइनअप, जीरो किल के साथ नाइन्थ रैंक पे एनआर की लाइनअप, एक और बार जीरो एक और बार तो नहीं बट इस मैच पे जीरो किल के साथ टेंथ रैंक पे ENC की लाइनअप, जीरो किल के साथ इलेवेंथ रैंक पे, एंड यहाँ पर फ्रिकिंग जो यहाँ पर इनविक्टस की लाइनअप है पहली लाइनअप जो यहाँ से निकल चुकी थी डिपार्ट कर चुकी थी, इन्होंने भी कोई खाता नहीं खोला एंड ट्वेल्थ रैंक पे यहाँ पर मौजूद है। तो ये था आज का सेकंड मैच था मैं कहना चाहूँगा, मैंने इंजॉय करा इसको पिछले मैच से बहुत ज़्यादा, एंड अगर आपने भी करा तो गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक सब्सक्राइब परफेक्ट और आप तरीके से। कुछ ही देर पे थर्ड मैच की शुरुआत होगी जो कि एक और बार मेरा मर में होगा या तो रैंगल पे होगा, तो मुझे लग रहा है रैंगल पे होगा, देखते सीन का रहता है। तब तक इस म्यूजिक एंजॉय करने का, एंड कुछ ही देर मैं वापसी करने वाला हूँ उस तीसरे मैच के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए, इट रियली मींस अ लॉट परफेक्ट और ऑफर आप तरीके से, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ रे भाई। Brace yourself. I can see the end inside. Three, two, one, hardwired.